नमस्कार, गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। क्या आप मुझे देख पा रहे सुन पा रहे क्या आप मुझे देख पा रहे सुन पा रहे? प्लीज कैन आर यू एबल टू सी मी एंड हेयर मी? प्लीज काइंडली रिप्लाई मी। या ओके, मैं जस्ट ये बोल देता हूँ कि रियली आई हैव अ वेरी बैड नेटवर्क प्रॉब्लम अर्ली मॉर्निंग इन कोलकाता। अनदर टाइम देयर वाज लाइक अ स्मॉल साइक्लोन, यू नो, इन सर्टेन इट जस्ट पास्ड थ्रू द सिटी, सो मेरा नेटवर्क फटाक से टूट भी सकता है अचानक से। दैट्स व्हाई आप लोगों को पहले से बोल के दे रहा हूँ, सडनली टूट भी सकता है नेटवर्क। ऑलरेडी मैं almost since 11:05 11:05 se I'm trying maybe more than 20 times to log in. I could actually just log in somehow by good luck. Suddenly sometimes the Wi-Fi tower is coming, sometimes it's not at all coming. So anyone, good morning everyone, namaskar, aap sabko yahan pe hardik swagat hai and a warm welcome to our very special program. Yes, and very nice to see all of you. Aap sabko milke bahut acha lagta hai after a long time seeing everyone. And just so today, like yesterday, we had a very special topic. आपने से काफी लोग yesterday topic में थे, so आज के topic के ऊपर बात करते हैं. Let's understand a bit that why people actually should use number one nutraceuticals and number two why they if they will use nutraceuticals, why they will choose Orient's nutraceutical and number three why they should do the business with Orient's nutraceutical. ये तीन पहलू पे बात करते, मतलब मैं ऊपर से बोलूंगा क्योंकि अगर इसको डिटेल्स में बोले इन कोर्सेस से 3-4 दिन लग जाता है पूरा इसको एकदम डेप्थ में जाने के लिए, बट ऊपर से एक ओवरव्यू देते जो आपके प्रोस्पेक्टिंग के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है कि अगर इस तीन पॉइंट को, इस तीन पहलू को बताया जाए तो इट विल बी एनफ दैट एटलीस्ट 10 लोग अगर इसको समझते, 5 तो ज्वाइन करेंगे, 5 में से 2 तो काम करेंगे, तो भी 20% रेशियो है। 10 में से 5 ज्वाइन, 10 सुने, 5 समझे, 5 ज्वाइन करे, उसमें से 2 फाइनली काम करें, so we have a 20% ratio of leaders working. Number one, why should people use nutraceuticals for their life? Number two, why they should choose Orient's nutraceutical? अगर nutraceutical ले लेना है तो Orient's का nutraceutical क्यों लिया? Number three, very simple, कि उसके बाद Orient's का nutraceutical के साथ अपना career क्यों बनाए या इस business को क्यों करे, अपना life को क्यों set करे, कैसे set करे? तो सबसे बड़ा पहलू है, आई थिंक द बेसिक नॉलेज सबको पता है व्हाई यू नीड टू यूज फूड सप्लीमेंट्स और न्यूट्रोसिटिकल्स, क्योंकि हमारा न्यूट्रोसिटिकल फूड सप्लीमेंट से एक स्टेज एक 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 कदम ऊपर है। वी ऑल नो दिस दैट इट इज अ फूड सप्लीमेंट्स अ जनरल एंड स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ फूड सप्लीमेंट्स विद थेरेप्यूटिक वैल्यू, उसको न्यूट्रोसिटिकल बोलते हैं। सो व्हाई यू शुड यूज न्यूट्रोसिटिकल्स पर्टिकुलरली बिकॉज न्यूट्रोसिटिकल्स आर वर्किंग ऑन ऑर्गन्स। सो कंपैरेटिव स्टडी देखिए, सो नाउ न्यूट्रोसिटिकल्स कैन बी यूज्ड फॉर कीपिंग गुड हेल्थ, for preventing from diseases and also from curing from diseases. अब जब ये वर्ड आप बोलते हैं न्यूट्रोसिटिकल, काफी टाइम इसको लोग सोचते हैं ये तो वही फूड सप्लीमेंट है, आयुर्वेदिक औषधि है, ये वो सोचते हैं। तो इसका डिफरेंशिएटिंग पॉइंट अगर आप हाईलाइट नहीं करेंगे तो काफी टाइम लोग हमारे इस न्यूट्रोसिटिकल को जनरलाइजेशन में रख देते हैं, और कोई भी चीज जनरलाइजेशन में रह जाता है उसका वैल्यू इतना ऊपर नहीं होता है। इसलिए काफी टाइम आप जाके किसी को प्रोडक्ट के बारे में बोलते हैं, आप जाके किसी को प्रोडक्ट देने का कोशिश करते तो वो इमीडिएटली शुरू करता है, ये तो एक सप्लीमेंट, इतना दाम क्यों, बाकी एमएलएम कंपनी का प्रोडक्ट सस्ता है, वो 200 में मिलता है, वो प्रोडक्ट 300 में मिलता है, आपका वाला 700 क्यों, आपका वाला 1000 क्यों, आपका वाला 1500 क्यों? बिकॉज व्हाट हैपन अगर आप उसको जनरलाइजेशन तरीके से प्रेजेंट कर रहे, जनरलाइजेशन तरीके से उसको जनरलाइज करके समझा रहे, तो लोग उसको in the conscious and subconscious mind they are seeing Orient's nutraceutical as a generalized product, it's just a general supplement, yeah, ayurvedic product to sabke paas hota hai, to agar koi cheez ko generalize kar de to automatic uska value bhi general price jaisa hona chahiye, special price jaisa nahi. For example maruti, toyota, matlab suzuki, ye sab gaadi aapka kya bolte hai nissan hai na, tata, ye generalization car mein aate hain, these are all good, hyundai hai na, ab ye sab gaadi kya hote hai generalization gaadi mein aate, kia, so ये 5 लाख से 10 लाख के रेंज में अच्छे अच्छे गाड़ी आती है। अब वो जनरलाइजेशन कहाँ है, तो अब बोलेंगे गाड़ी, और किसी को अपने ये नहीं समझा पाए, या तो कोई ये जानता नहीं है, या तो किसी को अपने पहचान नहीं दिला पाए कि ये BMW है, दिस इज BMW विद दिस स्पेशल फीचर्स, दिस इज अ स्पेशलिटी ऑफ इट, तो वो 50 लाख, ये गाड़ी का दम 50 लाख क्यों है, 10 लाख में तो मिलता है गाड़ी, 10 लाख में भी अच्छा गाड़ी मिलता है, 1000-1000 किलोमीटर चल वाला गाड़ी एक दिन में चला के भी जा सकते हो, तो आप 50 लाख में क्यों खरीदो? दैट मीन्स आपके पास अगर BMW है और किसी के पास उसको खरीदने का भी कैपेसिटी है तो भी आप उसको सेल नहीं कर पा रहे। आर यू विद मी? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? बिकॉज आप उस BMW को एडिफाई नहीं कर पा रहे, आप उस BMW का स्पेसिफिक को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, इसलिए उसके परसेप्शन में, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, कॉन्शियस माइंड एंड विजन में ये प्रोडक्ट सिर्फ एक, मतलब वो गाड़ी सिर्फ एक नॉर्मल गाड़ी ऐसा है, 5-10 लाख का गाड़ी ऐसा, तो 50 लाख क्यों दूं मैं? नहीं, 5-10 लाख में तो गाड़ी मिलता है,
उसमें भी एसी है, साउंड सिस्टम है, सीट है, गियर है, इंजन है, वो भी गाड़ी भागता है 100 किलोमीटर पर आवर में, तो मैं बीएमडब्ल्यू क्यों लू, ये गाड़ी क्यों लू। तो काफी टाइम लोग क्या सोचने लगते हैं, अगर उसको ये पता नहीं होता है कि ये बीएमडब्ल्यू इसका ये स्पेशलिटी फीचर है, तो लोग क्या सोचते हैं फालतू का ज्यादा दाम लिया जा रहा है, लोग क्या सोचते हैं फालतू का ज्यादा दाम लिया जा रहा है। लेकिन दाम होता है काम का, अरे विद मी हिंदी में बोलते हैं दाम होता है काम का, जैसा काम वैसा दाम, उसके बाद वैसा ही नाम, समझ में आर यू गेटिंग मी। दाम होता है काम का, जैसा काम उसका वैसा दाम, फाइनली उसका वैसा ही नाम, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, मर्सिडीज, ठीक। और ये नॉर्मली गाड़ी, इसका भी नाम है, इसका भी काम है, इसका भी नाम है, इसका भी दाम है, बट वो अपने लेवल में, और इसका नाम दाम काम अपने लेवल में, बिकॉज इसका काम यहाँ पे है, इसलिए दाम यहाँ पे, नाम भी ये है। इट बिकम अ ड्रीम कार फॉर पीपल, दिस बिकम अ नेसेसरी कार फॉर पीपल, आर यू एबल टू गेट मी। ये गाड़ी नेसेसरी गाड़ी है, ये गाड़ी ड्रीम गाड़ी है। आप में से हर कोई ऑडियंस में लीडर्स जो इतना मेहनत करके काम कर रहे, किस लिए कर रहे हैं? हुंडई आज आप चला रहे होंगे, आप क्या सुजुकी चला रहे होंगे, अपना नीड्स को पूरा करने के लिए, लेकिन आपके जीवन में, आपके जीवन में आपका सपना तो वो गाड़ी की वजह से ऑडियंस नहीं कर रहे, उस गाड़ी एटलीस्ट वो गाड़ी 50 लाख की गाड़ी की वजह से ऑडियंस कर रहे हैं। आप भी करें, आप सोचते मेरे 100 डाउनलाइन के बाद 50 लाख का गाड़ी हो, तो लाइफ डन। सो इस टेक्निकल पॉइंट को अंडरस्टैंड अगर ठीक से करेंगे तो Why many times people are actually not buy audience products? किस लिए audience के products काफी time आप कोशिश कर रहे लोग खरीदने हैं? Because what is happening? Many times we are actually highlighting to sell. We are trying to sell. We are not trying to teach. Because we are trying to sell the product and without teaching the product, so the person opposite of your side, it could be a patient, it could be a networker, it could be a customer, it could be XYZ anybody. कोई भी इंसान जो ऑपोजिट में बैठा हुआ है ना, तो उसको ये प्रोडक्ट एक सप्लीमेंट लग रहा है, आयुर्वेदिक मेडिसिन लग रहा है। अच्छा, सप्लीमेंट तो नहीं खाने से भी इंसान चलता है, सप्लीमेंट बाद में खाने से भी होता है। हाँ, मैंने तो यार 5 साल ये कंपनी का खाया है सप्लीमेंट, उसका खाया है, एमएलएम का खाया है, उस ट्रेडिशनल कंपनी का खाया है, कुछ तो यार हुआ नहीं, अभी भी दवाई खाना पड़ रहा है। पेशेंट्स काफी टाइम ऐसे बोलते हैं आपको, आपको बहुत टाइम पेशेंट से सुनने मिला होगा कि मैं तो ये मेडिसिन खा के चल रहा हूँ, इतना सप्लीमेंट खाया है, मैंने आयुर्वेदिक दवाई भी पहले खाया है, ये दवाई भी खाया है, लेकिन कुछ हुआ नहीं है। नहीं यार, अभी ये दवाई ठीक है मैं जो खा रहा हूँ, या वो ये सप्लीमेंट खाया था, देखता हूँ, सोचता हूँ, मतलब क्या हुआ? आपका जो क्लोजिंग नहीं हुआ, आपका प्रोडक्ट सेल्स नहीं हुआ। क्यों आपके क्लोजिंग और प्रोडक्ट सेल्स नहीं हुआ? व्हाट इज द रीजन कि आपका क्लोजिंग और प्रोडक्ट सेल्स नहीं हुआ? बिकॉज आप सेल्स करने गए थे, आपको सेल्स ही करना है, सेल्स होगा तभी बिजनेस होगा, इसमें कोई गलत बात नहीं है, यही सही बात है। आप सेल्स ही नहीं होगा तो बीवी नहीं आएगा, तो आपका बोनस नहीं आएगा, सिंपल फॉर्मूला है और यही राइट फॉर्मूला है, इसमें कोई रॉन्ग नहीं है बिल्कुल। लेकिन अगर ऑपोजिट साइड वाले को आप सेल्स करने जा रहे, सेल्स डायरेक्टली करे, तो डायरेक्ट सेल्स होगा नहीं। इट मींस इफ यू आर ट्राइंग टू एक्चुअली सेल योर प्रोडक्ट डायरेक्टली, दैट्स द टाइम ही मेक्स कंपैरिजन ऑफ दिस प्रोडक्ट विद अदर प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ प्राइस। आया कुछ समझ में? अगर सीधा जाके आप प्रोडक्ट को सेल करने के चक्कर में होते ना दोस्तों, तब वो क्या करता है, आपके प्रोडक्ट को, मतलब हमारे ऑडियंस के न्यूट्रोसिटिकल को, बाकी प्रोडक्ट के साथ प्राइस कंपैरिजन में आता है, प्राइस कंपैरिजन में। काफी टाइम लोग आपको ये भी बोल चुके होंगे, आई एम वेरी श्योर नेपाल में या हिंदुस्तान में आपने जरूर फेस किया होगा, काफी टाइम आपको ये भी बोल चुके, क्योंकि मैं जो आपको शब्द बोल रहा हूँ ये मार्केट से सुने हुए मुझे लीडर्स बोलते हैं, और उनके आंसर ढूंढते ढूंढते मैं प्रोग्राम्स को करता हूँ। काफी टाइम ये भी हो सकता है कि आप मार्केट में गए हैं किसी को प्रोडक्ट देने के लिए, और वो आदमी आपको बोल रहे हैं, अरे आप बोल रहे हैं ऑडियंस का प्रोडक्ट सबसे बेटर है, सबसे बेस्ट है, इंटरनेशनल प्रोडक्ट है, आप सब कुछ बता रहे हैं, बट वो आदमी क्या बोल रहे हैं आपको कि नहीं वो कंपनी का जो सप्लीमेंट वो तो सस्ता है, वो कंपनी का आयुर्वेदिक मेडिसिन सस्ता है, वो कंपनी भी तो बहुत बड़ा कंपनी है, 20-25 साल से इंडिया में है, आपका कंपनी क्यों इतना महंगा बेच रहा है? काफी टाइम आपको क्या कर रहे हैं, प्राइस कंपेरिजन में ला रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बोलता हूँ, इंडिया में या इवन नेपाल में चलिए, इंडिया इतना बड़ा एक देश है, 135 करोड़ पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा बिकने वाला गाड़ी इंडिया में मे बी सुजुकी है, लेकिन सपनों का गाड़ी तो मर्सिडीज है। तो सबसे ज्यादा बिकने वाला गाड़ी सुजुकी है, इसका मतलब ये तो नहीं कि सुजुकी सबसे हाइस्ट क्वालिटी गाड़ी है, ये तो कहीं पे भी नहीं लिखा है। लिखा है कि कहीं पे कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बुक में, इंजीनियरिंग बुक में लिखा है सबसे ज्यादा बिकने वाला गाड़ी सुजुकी है इंडिया में, बोलते सबसे हाईएस्ट क्वालिटी गाड़ी भी सुजुकी है, कहीं पे नहीं लिखा है ना, नो नो वेयर इज रिटन।
बिकॉज वो सबसे बिकने वाला है, कोई चीज सबसे बिकने वाला है मतलब ही नहीं है कि वो सबसे ज्यादा क्वालिटी होगा, मतलब ही नहीं है कि वो नंबर वन इन टर्म्स ऑफ रिसर्च होगा, इसका कहीं पे भी लिखा नहीं। कितने सारा शैम्पूज है जिसका सपोज सैचेट का दाम 1 रुपए है, डब्बा का दाम 70 रुपए है, बड़ा सा डब्बा का दाम, और कोई शैम्पूज है जिसका इतना सा डब्बा का दाम 200 रुपए है। ये डब्बा जो 70 रुपए का डब्बा है वो ज्यादा बिकता है इंडिया में, सबसे ज्यादा बिकता है, क्योंकि हमारे इंडिया में मैक्सिमम हाई हाई एक पॉपुलेशन बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लेवल, और लोअर मिडिल क्लास इज ए ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन। तो अगर इतना बड़ा एक शैम्पू सस्ते दाम में ज्यादा बिक रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वही शैम्पू सबसे बेस्ट क्वालिटी का है, वही शैम्पू सबसे बेस्ट हेयर फॉल कंट्रोल कर सकते हैं, वही शैम्पू सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन दे सकते हैं बालों को, वो कहीं पे भी नहीं लिखा है, वो कहीं पे भी नहीं लिखा है, कहीं पे रिसर्च भी नहीं, हो सकता तो क्लेम कर रहा है लेकिन उसके पास बैकअप नहीं। बट जो इतना सा शैम्पू है जिस 200 रुपए दाम है, ये 70, ये 200, इतना सा शैम्पू, इतना बड़ा का 70, इतना छोटा का 200, हो सकता है शैम्पू के पास पूरी तरह रिसर्च हो सकता है, शैम्पू के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स डाला हो, जो टेक्नोलॉजी डाला हो, वो शैम्पू सच में बाल हेयर फॉल प्रिवेंट कर सकता है एंड हेयर हेयर का ऊपर नरिशमेंट और न्यूट्रिशन दे सकता है। इट मीन्स प्राइस कंपेरिजन में तब लोग आपके साथ आएंगे। आप काफी टाइम फ्रस्ट्रेट फील करते हैं ना, लोग मेरे साथ प्राइस कंपैरिजन में आ गए, लोग इसको बोल रहे हैं ऑरियंस प्रोडक्ट महंगा, स्पेशली नेपाल में आप ये फेस करते होंगे ज्यादा, आई एम वेरी श्योर, क्योंकि इंडियन रुपीस नेपाल रुपीस कंपेयर हो जाके थोड़ा हाई प्राइस आता है। तो काफी टाइम कोई अगर प्राइस कंपैरिजन में आ गया, इट्स ओनली वन डैम रीजन फॉर इट, बिकॉज आप उस आप अगर हमारे प्रोडक्ट को एडिफाई कर सकते, बड़े बड़े बात करके नहीं, अगर प्रोडक्ट का एक एक ले मैन लैंग्वेज में भी साइंटिफिक बात को बोल सकते, इसका स्पेशलाइजेशन बोल सकते, इसका एक डिटेलिंग बोल सकते, मैं इंग्रेडिएंट्स का डिटेलिंग नहीं बोल रहा हूँ, बट इसका काम करने का तरीका, इसका स्पेशलाइज्ड काम करने का तरीका इन द बॉडी, इसका प्लस इफेक्ट, इसका स्पेशल इफेक्ट को अगर आप एडिफाई करके बोल सकते 10 से 20 मिनट, उस टाइम कोई भी एक कस्टमर के माइंड के अंदर, उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक चीज चलता रहता है, वो ये फील करने लगता है ये प्रोडक्ट बाकी चीजों से अलग है। Are you with me? वो ये फील करने लगता है, ये प्रोडक्ट के बारे में कुछ ऐसे मैंने चीजें सुने है ना, खाने के बाद ही पता चलेगा कितना कितना रियलिटी में है, बट मैंने ऐसा कुछ चीजें इस प्रोडक्ट के बारे में सर से मैडम से सुना या सीखा या समझा, जो अभी तक तो सुना सीखा समझा नहीं था कहीं से भी कोई प्रोडक्ट से, इसलिए इस प्रोडक्ट का दाम हो सकता है वो बाकी प्रोडक्ट से थोड़ा ज्यादा है, कोई सस्ते प्रोडक्ट से ऑफकोर्स ज्यादा है। एक सिंपल बात है, सबसे बेस्ट इंग्रेडिएंट डाला जाएगा, सबसे एक्सपेंसिव रिसर्च यूज किया जाएगा, सबसे ज्यादा बेस्ट कैप्सूल्स यूज किया जाएगा, तो वो प्रोडक्ट तो सस्ता तो नहीं हो सकता। अब उस टाइम एक इंसान के अंदर ये सबकॉन्शियस माइंड में डालना इम्पोर्टेंट है कि स्ट्रांगली हो सकता है नेपाल में या इंडिया में भी थोड़ा नॉर्मल कोई लीवर सप्लीमेंट जो बोल के बेच रहा है, कोई लीवर आयुर्वेदिक मेडिसिन बोल के दूसरे कंपनी प्रोडक्ट बेच रहा है, उससे हो सकता है स्ट्रांगली हाई प्राइस है, मैं मान रहा हूँ उससे ज्यादा होगा स्ट्रांगली का प्राइस, लेकिन अगर एक कस्टमर के दिमाग में, चाहे सेमिनार में हो चाहे वन टू वन हो, अगर उसके दिमाग के अंदर ये इम्प्लांट किया जा सकता है कि आपका लीवर, आपका जो लीवर है शरीर के अंदर, जो राइट साइड में जो लीवर ऊपर वाला ने आपको गिफ्ट दिया है, वो लीवर का दाम कई गुना ज्यादा है स्ट्रॉन्ग लिप से, ये भी याद रखिए। ऐसे मतलब आप बोल रहे हैं स्ट्रॉन्ग लिप थोड़ा बाकी प्रोडक्ट से महंगा है, लेकिन स्ट्रॉन्ग लिप इतना इफेक्टिव भी सबसे ज्यादा है लीवर के लिए। अगर कोई आपसे प्राइस कंपेरिजन कर रहा है, आंसर मैं बोलता हूँ हमेशा, क्या आपका लीवर, क्या ये स्ट्रॉन्ग लिफ जो आप में भी 1000 रुपए का है, क्या ये स्ट्रॉन्ग लिफ आपके लीवर से भी ज्यादा महंगा है, क्या ये स्ट्रॉन्ग लिफ का दाम आपके लीवर से भी ज्यादा है या आपका लीवर इसे महंगा है? तो ऑफ कोर्स किसी का लीवर एक स्ट्रॉन्ग लिफ से या 3 महीने का या 6 महीने का स्ट्रॉन्ग लिफ से किसी का लीवर 6 करोड़ गुना भी ज्यादा है, क्योंकि वो लीवर है, वो चला गया तो आदमी खत्म, और लीवर ट्रांसप्लांट भी सक्सेसफुल प्रोसेस नहीं है उतना। इट मीन्स कई करोड़ों गुना ज्यादा है आप ऑर्गन्स के दाम, जिसका मतलब अमूल्य बोलते हैं ना, अमूल्य, जिसका मूल्य हम लोग मुंह से भी नहीं बोल सकते हमारे ऑर्गन्स के इतना दाम है। तो अगर आपके ऑर्गन्स का दाम इतना मूल्य है, तो क्या ये प्रोडक्ट का जो मूल्य है अभी, क्या ये आपके अमूल्य ऑर्गन से भी ज्यादा अमूल्य है? नहीं ना, ऑफकोर्स नहीं। सेकेंड, इसका मतलब है एक बिजनेस तो सब लोग समझते हैं, मैंने हमेशा बोलता हूँ ना, कोई कोई साइंस का भाषा समझता है, कोई कोई सेल्स का भाषा समझता है, कोई कोई हेल्थ का भाषा समझता है, कोई कोई हेल्थ का भाषा समझता है, 4 भाषा होता है,
बिजनेस पे, एक होता है साइंस का क्योंकि हम साइंस साइंस के बिजनेस में, दूसरा होता है सेल्स का क्योंकि आप प्रोडक्ट कोई भी चीजों का हम सेल्स करते हैं, तीसरा होता है हेल्थ का मदद, HELP हेल्प मदद, चौथा होता है हेल्थ सेहत। आदमी चार भाषा होता है, साइंस सेल्स हेल्थ हेल्थ, कोई साइंस का भाषा समझता है, कोई हेल्थ का भाषा, कोई हेल्थ का भाषा, कोई सेल्स का भाषा। लेकिन एक बात बोलता हूँ दोस्तों, ये मेरा मेरे वीडियो पे देखिए आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। ये चारों का चीज, ये चारों का भाषा सब कोई ना कोई भाषा समझता है, लेकिन दोस्तों हिंदुस्तान में या नेपाल में हर कोई आदमी पैसे का भाषा जरूर समझता है। एवरीवन अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज ऑफ द मनी फॉर श्योर। तो आप बोलेंगे सर लैंग्वेज ऑफ द मनी तो नहीं समझ में आया, इसके रिगार्डिंग एक सिंपल एक्सप्लेनेशन है दोस्तों। आप इंग्लिश में नहीं कहते, एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलते ना इंग्लिश में, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर इतना डाला तो कितना आएगा, मैंने इतना डाला से जमीन खरीदा 50 लाख का तो क्या 1 साल बाद 1 करोड़ होगा, 5 साल बाद 1 करोड़ होगा, एक फ्लैट खरीदा उससे ज्यादा, गोल्ड खरीद के भी रखा ज्यादा होगा, स्टॉक मार्केट में कुछ कंपनी के शेयर खरीद के रखे वो ज्यादा होगा, म्यूचुअल फंड का वैल्यू ज्यादा होगा, उसको बोलते रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इट मीन्स इफ we will be able to clarify, we will be able to clearly explain what is the return on investment. If they invest their money on this product of Oris Nutraceutical, what is the return they will get inside their body and hence in their life? इसको बोलते return on investment. अगर कोई strong leaf खा रहा है 6 महीने इतना खर्चे पे, उसका returns क्या मिल रहा है? Investment 6 महीने का strong leaf है, इन्वेस्टमेंट 6 महीने का नेफ्रोफिट है, इन्वेस्टमेंट 6 महीने का डेली पो अगर खाना है, तो वो इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स क्या है? दैट इज ऑर्गन रिपेयर, दैट इज ऑर्गन डैमेज प्रिवेंशन, ऑर्गन रिपेयर थेरेपी, ऑर्गन डैमेज प्रिवेंशन। और उस ऑर्गन्स का रिटर्न ऑन, उस ऑर्गन्स का वैल्यू क्या है लाइफ में, अगर ये चीजों को अंडरस्टैंड करा सकते हैं तो कोई भी इंसान के लिए सबसे पहले उसके ऑर्गन सबसे वैल्यूएबल होंगे, उसके ऑर्गन्स उसके लिए सबसे वैल्यूएबल होंगे ऑटोमेटिकली। जब वो तब वो समझ जाएगा उसके ऑर्गन्स का प्राइस, मैं पैसे के बारे में नहीं बोल रहा, जिंदगी में उसके ऑर्गन्स का मूल्य और ओरियंस प्रोडक्ट्स का मूल्य अगर पैसे में काउंटिंग करे तो कभी भी कंपैरिजन नहीं कर सकता। उसके ऑर्गन्स का मूल्य कैसे ना कैसे कई करोड़ों गुना ज्यादा है ओरियंस का 1 साल का सप्लीमेंट से भी। अगर 1 साल भी सप्लीमेंट खाए तब आदमी को ये फील होगा इतना कम इन्वेस्टमेंट पे भी मुझे इतना बड़ा रिटर्न मिलेगा, मतलब 1 साल का सप्लीमेंट अगर मैं ओरियंस प्रोडक्ट का खाऊं तो मतलब मेरे ऑर्गन्स इस तरीके से रिपेयर होंगे कि जिंदगी के नेक्स्ट 5 साल तो बढ़िया जिंदा रह सकता हूं। फिर मैं अगर एक मतलब कोई अगर ऐसा सोचे कि मैं अगर साल में 3 महीने भी खाऊं तो मैं 12 महीने बहुत अच्छा गुजार सकता हूं, मैं साल में 1 साल खा लूं तो एटलीस्ट मतलब कि मेरा 1 साल अच्छा चल सकता है। इट मीन्स काफी टाइम मैंने ऐसा एक्सप्लेनेशन किसी को दिया, मैं कोई पेशेंट्स को काउंसलिंग करने के टाइम ऐसे एग्जांपल दिया था, तो किसी को मैंने पूछा था सर आप क्या काम करते हैं, मैंने बोला आप व्हाट यू एक्चुअली वर्क इन, आप काम क्या करते हैं, तो उसने बोला था मैं एक प्राइवेट टीचर हूं एंड ही वाज वेरी फेमस, कोलकाता का बात बोल रहा हूं, इट इज वेरी फेमस गाय केमिस्ट्री का टीचर एंड इज वेरी वेरी फेमस गाय, माने उसका फीस है प्राइवेट ट्यूशन का फीस है 2,500 रुपए पर मंथ, और फिर भी स्टूडेंट्स को कोलकाता में, इवन आप बिलीव नहीं करेंगे, नेपाल से उसके पास 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, नेपाल के स्टूडेंट्स यहाँ पे हॉस्टल में रहते हैं कोई ना कोई प्राइवेट हॉस्टल में सिर्फ उसे केमिस्ट्री पढ़ने के लिए बिफोर क्लास 12 एग्जाम्स, ही सो मच फेमस गाय। तो देयर वाज सर्टेन टाइम जब कहीं ना कहीं थ्रू में मतलब कि उसके पास कोई न्यूट्रोसिटिकल ऐसा किसी ने पहुंचा है, he was having a lot of health problems, so particularly उसका health problems थे constipation, and the constipation के लिए उसने बहुत सारा आयुर्वेदिक मेडिसिन खाया, बहुत सारा दवाई खाया, कुछ भी नहीं हुआ, so somehow the products actually reached to him, so because of the constipation उसको हमेशा मूड डिसऑर्डर होते थे, अभी पेट साफ नहीं हो रहा है, पेट हमेशा जैम है, खाना भी मनपसंद नहीं खा पाता है, चिड़चिड़ा दिमाग होता है। So at some time he told us that because of constipation, sir, मैं students को ऊपर कभी कभी चिढ़ जाता हूँ, कभी कभी जानबूझ के students को मतलब मैं attention नहीं दे पाता हूँ, मेरा जो output देना चाहिए students की तरफ sir मैं दे नहीं पाता। तो उसका case history को समझे, उसका counseling किया, उसको consult किया, we understood very clearly जो भी उसका mental disturbance है या जो उसके काम में productivity low हो रहा है, it is only because of his intestine. So the one organ intestine is actually reducing the whole productivity in his life, at his work, at his family, बीवी के ऊपर चिड़चिड़ा, students 500 students उसके पास, मैं बोला नेपाल से 200 students हर साल वो लेता है private tuition करने के लिए, you can imagine नेपाल से कोलकाता आ रहे chemistry पढ़ने के लिए before class 12 exam, crash courses, you know this word crash courses, मतलब एक दो महीने में पूरा cover up करा देता है 2 साल का पढ़ाई।
सो नाउ दैट पर्सन, वो टीचर उसको इतना समझा पाए कि आपका एक इंटेस्टाइन का डैमेज के वजह से अल्टीमेटली आपका क्या क्या डैमेजेस हो रहे हैं, आपका फैमिली में खुशी डैमेज हो रहा है, आपका कैरियर भी डैमेज हो रहा है, आपको रेपुटेशन भी डैमेज हो रहा है। स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर चिड़चिड़ा है, स्टूडेंट बोल रहे हैं सर अटेंशन देना बंद कर दिया, पहले बहुत बढ़िया अटेंशन देता था अभी अटेंशन देना बंद कर रहे हैं। इसका मतलब उसका ब्रांड ऐसे गिर रहा है, और आदमी को तो वैल्यू उसका ब्रांड का मिलता है। अगर वो डे बाय डे बेटर काम करते जाएंगे उसका ब्रांड बढ़ेगा क्योंकि लोगों को उससे फायदा होगा। याद कीजिएगा, लोग आपको तभी उठाएंगे जब उनको आपसे फायदा होगा। आर यू विथ मी? आया कुछ समझ में? मार्केट आपको तभी उठाएगा जब उनको आपसे फायदा होगा। अगर उनको आपसे कुछ भी नहीं फायदा होगा तो आप कैसे रख देगा? उनको आपसे नुकसान होगा तो गिराएगा, उनको आपको उनको आपसे फायदा होगा तो उठाएगा। ये साइकोलॉजी को हमेशा याद रखिए, दिस इज अ रियलिस्टिक साइकोलॉजी, इसमें कुछ खराब नहीं। मैं प्रोफेशनल लाइफ में पर्टिकुलर बोलो, पर्सनल लाइफ में, पर्सनली फैमिली दोस्त खुद वो लोग फायदा नुकसान नहीं देते, इट्स जस्ट रिलेशन एंड लव। बट इफ यू टॉक अबाउट प्रोफेशनल मार्केट लाइफ, आपके आपसे फायदा हो रहा है आपको उठाएंगे, नहीं हो रहा है आप कैसे रख देंगे, आपसे नुकसान हो रहा है आपको गिराएंगे। दैट्स अ वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग। सो इट मीन्स, मैंने उस टीचर सर को बोला, सर आपका ब्रांड, आपको नहीं लगता आपका ब्रांड गिर रहा है? बोला, ये सर मेरा ब्रांड तो गिर रहा है, ब्रांड इज फॉलिंग डाउन बिकॉज आई मीन उसको रेपुटेशन खराब हो रहा है। ऐसा नहीं कि वो बढ़िया टीचर नहीं है, बट वो बढ़िया टीचिंग कर नहीं पा रहे हैं। बढ़िया टीचिंग क्यों नहीं कर पा रहे? बिकॉज ऑफ वन इंटेस्टिनल डैमेज व्हिच हैज कॉस्ट हिम क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। He's got mood disturbance. He's not happy. Sometimes he really feels fatigued. Sometimes he's feeling dizzy. Sometimes उसको मतलब flatulence हो रहा है, मतलब gas formation excessive हो रहा है, तो उसका productivity down. And it means that day मैंने एक चीज समझा था. It was actually 3.5 years before. मैं audience में नहीं था तब. मैं I'm talking about some other some circumstances. At that time एक चीज मेरे दिमाग में आया, मतलब ये business knowledge के हिसाब से अगर किसी भी इंसान को ये समझा पाए, किसी भी इंसान के दिमाग में ये इम्प्लांट करा पाए, इनपुट इज टू आउटपुट। वन मोर टाइम, इनपुट इज टू आउटपुट। अगर किसी के दिमाग में ये समझा पाए, आप क्या देने गए? ओरियंस प्रोडक्ट या ओरियंस कॉन्सेप्ट या हेल्थ केयर नेटवर्क, आप वो देने गए ना, उसको मैंने इनपुट बोला। अगर किसी के दिमाग में ये इम्प्लांट हो जाए कि इनपुट इतना सा है, वन मोर टाइम देखिए कैमरा में, इनपुट इतना सा है, लेकिन इतना से इनपुट डालने के वजह से इतना सा आउटपुट आ सकता है, कोई भी वो इनपुट लेगा। लेकिन अगर किसी को ये समझ में नहीं आए कि ये इनपुट डालू, क्योंकि इनपुट मतलब वहां पे खर्चे हैं, ये इनपुट डालू लेकिन आउटपुट क्या आएगा, कैसे आएगा, क्यों आएगा, तो वो इनपुट को नहीं खरीदना चाहेगा, उस इनपुट में इन्वेस्ट नहीं करेगा। इनपुट इज इन्वेस्टमेंट, आउटपुट इज रिटर्न। इनपुट इतना सा, आउटपुट इतना सा, इतना सा हाथ में नहीं दिखा पा रहा इतना बड़ा, बट इनपुट इतना सा। अगर किसी के दिमाग में यह लगा पाए कि इनपुट इतना है और आउटपुट इतना बड़ा होगा, पीपल विल एक्चुअली टेक दैट इनपुट, दे विल बाय दैट इनपुट, दैट मींस दे विल बाय दैट इनपुट मींस ओरियंस हेल्थ न्यूट्रोसिटिकल्स। ये कोरोना लॉकडाउन का स्ट्रेटजी ही हमारे लिए सबसे बड़ा काम कर गया था। यू नो वेरी वेल, आप में से बहुत लीडर्स जानते हैं, इन दिस लॉकडाउन टाइम, इन द लास्ट 10 वीक्स, आज भी क्लोजिंग है थर्सडे को, आई थिंक आज आप लोगों का कुछ अच्छा क्लोजिंग होंगे बिकॉज ऑफ द कार्ड प्रमोशन। इन द लास्ट 10 वीक्स, मतलब 10 क्लोजिंग्स, ऑडियंस वी आर द बेस्ट परफॉर्मर इन नॉर्थ ईस्ट एंड नेपाल, इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, इंक्लूडिंग मैं वेस्ट बंगाल का, नॉर्थ बंगाल का साइड बता रहा हूँ, मालदा एरिया से आगे, मैं कोलकाता साइड में बोल रहा हूँ, आप लोग का हमारा बिजनेस नहीं है। फ्रॉम द नॉर्थ बंगाल साइड, नेपाल हो गया एंड नॉर्थ ईस्ट जोन हो गया, जहाँ पे ऑलरेडी हमारा नेटवर्क प्रेजेंट थे, आप जैसे लीडर्स प्रेजेंट थे, वी आर द हाइस्ट परफॉर्मर इन इंडिया। कोई भी स्टैटिस्टिक्स आप ढूंढ के देखेंगे, हाईएस्ट परफॉर्मर इन इंडिया, नॉट ओरियंस कंपनी हाईएस्ट परफॉर्मर, वी ओरियंस फैमिली आर द हाईएस्ट परफॉर्मेंस। मैं कभी नहीं बोलता ओरियंस ने हमने किया है, क्योंकि हम तो गए नहीं, आप भी हो सकता है कि जा नहीं पाए, लेकिन आप खुद नहीं जा पाए शरीर लेके, लेकिन आपने कुछ चीज भेजा था, कुछ दे पाए। अब बोलेंगे क्या दे पाए? ये दे पाए, ज्ञान दे पाए। एक तो ज्ञान आप दे पाए, लोगों ने उसको ले पाए, और जिसने लिया वो भी दे पाया, दैट इज कॉल्ड द नेटवर्क ऑफ नॉलेज। आप बोलते हैं ना डुप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, कंपाउंडिंग ऑफ व्हाट? डुप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन एंड कंपाउंडिंग ऑफ व्हाट दोस्तों? ऑफ प्रोडक्ट? नहीं। प्लान? नहीं। ऑफ व्हाट? ऑफ द नॉलेज, ऑफ द स्किल, ऑफ द डेवलपमेंट। इफ यू हैव अ नॉलेज, इफ यू हैव द स्किल, इफ यू हैव द डेवलपमेंट, दैट्स द टाइम यू कैन प्रोमोट दिस डेवलप्ड प्रोडक्ट। यू कैन प्रोमोट दिस डेवलप्ड प्रोडक्ट इन अ डेवलप्ड वे। You can promote this developed product in a developed, skillful way. That is called network. मतलब आपने skill develop किया, आपने self development किया, आपके वजह से 5 ने develop हुए, आप जो आपको directly, आप जिसको directly जानते हैं, आपके main core leaders, 5 से 50 में हुआ, 50 से 500, 500 से 5000 में,
सो नेटवर्क क्या हुआ, डुप्लीकेशन किस चीज का हुआ, प्रोडक्ट का नहीं दोस्तों, प्लान का नहीं दोस्तों, लोग यहाँ पे मार खाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग झाड़ यहाँ पे खाते हैं। डुप्लीकेशन किस चीज का दोस्तों, डुप्लीकेशन हुआ ऑफ द स्किल ऑफ द सेल्फ डेवलपमेंट। इफ यू कैन इफ वी कैन डेवलप आवर सेल्फ वी कैन डेवलप ए मार्केट विद अ डेवलप प्रोडक्ट। इफ वी कैनॉट डेवलप आवर सेल्फ वी कैनॉट डेवलप अ डेवलप प्रोडक्ट इन टू अ डेवलप मार्केट, वी कांट डू बिकॉज वी आर नॉट डेवलप्ड एनफ। प्रोडक्ट का लेवल साइंटिफिकली, मार्केट का भी लेवल ये, और हमारा स्किल डेवलपमेंट यहाँ पे कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे। हमारा स्किल डेवलपमेंट यहाँ पे प्रोडक्ट यहाँ पे इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आ सकते हैं, लेकिन खुद जंप मार के इसको नहीं छू सकते क्योंकि ऑलरेडी ऊपर बैठे हैं। सो इट मीन्स लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, डुप्लीकेशन कंपाउंडिंग मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट होता है या प्लान होता है, इसलिए लोग होता नहीं, बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा नहीं कर पाते। होता है वन टाइम फिर जीरो, फिर वन टाइम फिर जीरो, फिर होता है वन टाइम फिर जीरो, तीन महीने में एक बार बिजनेस, छह महीने में एक बार बिजनेस, फिर ढूंढते बिजनेस कहाँ से लेके आओ, कौन मेरा बिजनेस करेगा। बिकॉज एक्चुअली इट इज द ट्रांसफॉर्मेशन, आपने सुना फिजिक्स में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, एक जगह से दूसरे की एनर्जी ट्रांसफर होता है, फिजिक्स होता है। सो इट इज एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसफर ऑफ नॉलेज ऑफ स्किल्स ऑफ डेवलपमेंट। ऑलवेज रिमेंबर दोस्तों, स्पेशली हम जिस बिजनेस में है ये एक साइंटिफिक बिजनेस है। ये हम लोग कपड़ा नहीं बेच रहे हैं, मतलब हम लोग कोई इंश्योरेंस पेपर नहीं बेच रहे, मनी मार्केटिंग भी नहीं कर रहे, हम लोग एक सबसे सीरियस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, वो है हेल्थ प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन। हम सबसे सीरियस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन। हेल्थ प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मीन्स हेल्थ, हेल्थ मीन्स बॉडी, बॉडी मीन्स ऑर्गन्स। आई मीन वी हैव इन टू अ वेरी वेरी सीरियस इंडस्ट्री। That means हम जिस इंडस्ट्री में है यहाँ पे सेलिंग मेटीरियल इज नॉट ओनली द प्रोडक्ट, सेलिंग मेटीरियल इज नॉट ओनली द प्लान, द सेलिंग मेटीरियल इज योर स्किल्स, द सेलिंग मेटीरियल इज योर नॉलेज, द सेलिंग मेटीरियल द सेलिंग पॉइंट इज योर डेवलपमेंट। रिमेंबर वन थिंग दोस्तों, वी विल बी रिवॉर्डेड फॉर आवर वैल्यू। हम जितना वैल्यू करें कैरी करेंगे उतना ही वैल्यू का डुप्लीकेशन होगा, उतना ही वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन और कंपाउंडिंग होगा। इट मीन्स अगर हम लोग पहले हम लोग क्या करते थे लॉकडाउन से पहले, या आप लोग सब मेरे साथ एग्री जरूर करेंगे बिकॉज ऑल द लीडर्स आर माय डियर फ्रेंड्स, तो हम सब लोग इसमें जरूर एग्री करेंगे कि बिफोर द लॉकडाउन जब हमारा दुनिया आसान था, हिंदुस्तान नेपाल आसान था, आसान दुनिया था, चल रहा था, ऐसे चल रहा था बहुत बढ़िया चल रहा था। अब सब लोग एक चीज में जरूर एग्री करेंगे डियर फ्रेंड्स, बिफोर द लॉकडाउन हमारा बिजनेस मॉडल क्या था, नेटवर्क बेस्ड, ज्वाइनिंग बेस्ड, सेल्स बेस्ड बिजनेस होता था। लेकिन क्या बार बार होता था, जिसके साथ एक बार बिजनेस किया उसके साथ बार बार होता था? आई डोंट थिंक सो, नहीं होता था। व्हाई? बिकॉज हमने उस स्ट्रेटजी को जो यूज किया था, हम सब ने, मैंने नहीं बोला आपने यूज किया, मैं अपने आप को इंक्लूड करके बोल रहा हूँ, सब मिलके जो स्ट्रेटजी यूज हो रहा था ज्वाइनिंग बेस्ड, तो वी यूज टू फोकस ऑन ज्वाइनिंग द पीपल, वी आर नॉट फोकसिंग ऑन ज्वाइनिंग द डेवलपमेंट। लोग सॉफ्टवेयर में ज्वाइन हो रहे हैं बीवी से, मतलब ए वन डायमंड टू डायमंड थ्री डायमंड बाय बाइंग द प्रोडक्ट, वो रियल ज्वाइनिंग नहीं होता बिजनेस में। रियल ज्वाइनिंग तब होता है जब आपके दिमाग में और दिल में जो है और वो चीज उसके दिमाग और दिल में इम्प्लांट होके ज्वाइन हुआ ना, तब बड़ा बिजनेस होगा, तब लॉन्ग टाइम बिजनेस होगा, या तो ओनली वन टाइम बिजनेस होगा। इट मीन्स अगर हम लोग सिर्फ नेटवर्क बेस्ड रहे, हम लोग सिर्फ ज्वाइनिंग बेस्ड रहे, सेल्स बेस्ड रहे, तो होगा बिजनेस, होगा सेल्स भी होगा, ज्वाइनिंग भी होगा, नेटवर्क भी होगा, सब होगा, लेकिन वो वन टाइम होगा। फिर नेक्स्ट टाइम के लिए न्यू वाले ढूंढना पड़ेगा, न्यू वाला ढूंढना पड़ेगा, एक दिन तो थक जाएंगे, 5 साल से ढूंढते जा रहा हूं, ढूंढते जा रहा, कोई मिल ही नहीं रहा है। ऐसा बात नहीं, मिला ऑलवेज है, बट हमारा उससे मिल नहीं हुआ। मिले ऑलवेज लोग हैं, हमारा उससे मिलन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज अगर हम लोग ये समझ जाए कि मार्केट कैसे चल रहा है, सिचुएशन क्या है, तो अकॉर्डिंगली हम मार्केट सिचुएशन के हिसाब से अपना मार्केटिंग सिचुएशन बनाएंगे। अरे बताइए, अगर आप हमें ये पता चल जाए कि मार्केट कैसे चल रहा है, मार्केट का सिचुएशन क्या चल रहा है, अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग टू एबल टू इवैल्यूएट एंड फॉर्मुलेट द मार्केटिंग सिचुएशन। बिकॉज़ बिफोर द लॉकडाउन आपको बोला दुनिया वाज इजी था, इस सबको इजी था, मतलब कि मतलब ऐसा बात हो कल करने से भी होगा, परसों करने से भी होगा, आज ज्वाइन हुए 10 लोग, नेक्स्ट साइकिल में 10 ज्वाइन हुए, वो गए बाहर में चलेगा, फिर नेक्स्ट साइकिल में वो भी गए बाहर में चलेगा, नेक्स्ट क्लोजिंग में कोई और मिला जाते थे लोग। लेकिन आपको एक बात बोलता हूं दोस्तों, एट दिस मोमेंट ये जो हम लोग जो सिचुएशन में है ना, लोग इतना आसानी से नहीं मिलेंगे, ये आप भी जानते हैं, आपने आप भी फेस करें, बिकॉज हम सब मिलके फेस करें। व्हाई? इकोनॉमिकल इश्यूज, जियोग्राफिकल इश्यूज, फियर इश्यूज, मनी इश्यूज, क्राइसिस इश्यूज, मेनी रीजन की वजह से, बट जो आपको अभी मिलेंगे, एंड फेम इन दिस इंडस्ट्री इज एक्चुअली द मनी।
हम जिस इंडस्ट्री में है ना, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में नहीं, कि क्लोज डोर इंडस्ट्री में है, यहाँ पे हमारा नाम ही हमारा दाम है। मतलब ये है, हमारा नाम ही हमारा दाम है। व्हेन पीपल पीपल विल बी इम्प्रेस्ड बाय यूजिंग द प्रोडक्ट आफ्टर दे हैव ब्रॉट द प्रोडक्ट, बट हु विल मेक देम बाय द प्रोडक्ट इटसेल्फ या वी, कौन? पीपल विल बी इम्प्रेस्ड विद ऑडियंस न्यूट्रोसिटिकल्स वंस दे कंज्यूम द प्रोडक्ट। फॉर कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट दे हैव टू बाय द प्रोडक्ट। So after they buy the product, after they consume the product in 1 week, they will be very impressed with the product. लेकिन उस product का impression किसने create किया है? उस product का impression product ने create किया है? नहीं। उस product impression किसने create किया? Yes, we the leaders. It means is actually impressing, not impression of the product is actually becoming the value of the product. Impression of the company is actually value of the company. And who creates it? We leaders created. That means impression किसका create कराना है? Self impression create करना है. Self impression तभी create होगा जब self development होगा. आप बोलेंगे sir self development कैसे होगा? जब self knowledge बनेगा. आपको एक कड़वा भाषा में बात बोलता हूँ, जो specially दिल्ली में, कोलकाता में, बॉम्बे में, इंडिया के big big cities में एक बात बोला जाता है. बोलते हैं network marketing में मूर्ख का network होता है. आप कोलकाता में आके पूछिए, सिलीगुड़ी में आपको सुनने को मिलेगा, गुवाहाटी में जाइए, दिल्ली में जाइए, चेन्नई में, बैंगलोर में जाइए, इंडिया के बड़े बड़े शहर में। बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में वो कुछ जानते भी नहीं है, सिर्फ बक बक करते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में क्या हो गया? इन हिंदुस्तान में बदनामी क्यों हो गया, नेपाल में बदनामी क्यों हो गया? बिकॉज ऑफ वन रीज़न, लोग बक बक करते बोल के। लेकिन ओरियंस में अगर हम लोग सब मिलके, बाकी जहाँ पे पूरा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जहाँ पे मूर्खों का नेटवर्क बनता है, अगर यहाँ पे हम सब ने मिलकर ज्ञानियों का नेटवर्क बना तो कैसा होगा? क्या बताइए दोस्तों? अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ दोस्तों, अगर आप एक न्यू प्रोस्पेक्ट हैं, तो आप कौन सा नेटवर्क या कौन सा नेटवर्कर के नीचे ज्वाइन करना चाहेंगे? मूर्खों का नेटवर्क में शामिल होना चाहेंगे या ज्ञानियों का नेटवर्क में शामिल होना चाहेंगे? किसमें आप शामिल होना चाहेंगे? सोचिए, आप एक न्यू प्रोस्पेक्ट है, आप ऑडियंस का वन डायमंड भी नहीं, आप ऑडियंस का डायमंड डायरेक्टर भी नहीं, क्राउन नंबर थ्री भी नहीं, गोल्ड डायरेक्टर भी नहीं, सेवन डायमंड नहीं, आप कौन से में शामिल होना चाहिए? आप नेपाल में कहीं पे भी या हिंदुस्तान में कहीं पे भी, Are you want to be the part? Do you want to join? Do you want to give your time? Do you want to give your money? Do you want to invest your life in मूर्खों का नेटवर्क में, मूर्खों का नेटवर्क के साथ या ज्ञानियों का नेटवर्क के साथ? Of course, number two option सबने सही बोला, ज्ञानियों का नेटवर्क के साथ। It means अगर काफी टाइम आप सोच रहे हैं और फ्रस्ट्रेट हो रहे, इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना लोगों को जाके बोल रहा हूँ, इसको इतना बार बार बोल रहा हूँ, फिर भी ये इंसान मेरे प्रोडक्ट के साथ खरीद, या तो प्रोडक्ट को नहीं खरीद रहे हैं, या तो मेरे कॉन्सेप्ट में ज्वाइन नहीं कर रहे, या तो मेरे साथ बिजनेस नहीं कर रहे हैं। व्हाई? बिकॉज़ पीपल हैव समवेयर इन देयर माइंड, समवेयर इन द बैक ऑफ द माइंड, सबकॉन्शियस ब्रेन, कि ये नेटवर्क मार्केटिंग, ये डायरेक्ट सेलिंग, ये सप्लीमेंट लेके सेलिंग कौन करते हैं? मूर्ख करते हैं। और सच में आपको बोल रहा हूँ, क्यों लोग ऐसा सोचते, क्यों लोग ऐसा बोलते? क्योंकि ये बात तो सही है, ये इंडस्ट्री इतना स्पेशल इंडस्ट्री हमारा, डायरेक्ट सेलिंग वेलनेस इंडस्ट्री, जहां पे एक 10 पास आदमी और एक 10 डिग्री लिया हुआ आदमी भी इक्वल बन सकते हैं। जब एक 10th पास आदमी को भी सेम ट्रेनिंग मिलता है उसका कंपनी में, और 10 मेडिकल डिग्री वाला आदमी या 10 इंजीनियरिंग डिग्री वाला आदमी को भी सेम ट्रेनिंग मिलता है, सेम फैसिलिटीज मिलता है। और कोई भी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं हो सकता। आप कभी शांत शांत दिमाग में बैठ के सोचेगा, ओनली इन दिस इंडस्ट्री जब एक ट्रेनिंग हो रहा है, उस ट्रेनिंग हॉल में, या वो जूम में हो, या वो ऑफलाइन ट्रेनिंग में हो, या तो मेगा हेल्थ कोच सेमिनार में हो, उस जगह में पैंक्रियास के बारे में हो, किडनी के बारे में हो, प्रोडक्ट के बारे में हो, या प्लान के बारे में हो, या डायरेक्ट सेलिंग के बारे में हो, या लीडरशिप के बारे में हो, वहां पे एक 5 पास किया हुआ आदमी भी इक्वल फैसिलिटी में सुन पा रहे हो, समझ पा रहे, और एक लेस से 5 स्टार पाया हुआ आदमी भी एडुकेशन एकेडमिक्स में भी उसको इक्वल फैसिलिटीज ऑफ लर्निंग मिल रहा है। इक्वल फैसिलिटीज ऑफ लर्निंग सिर्फ इस इंडस्ट्री में मिलते हैं। लेकिन दोस्तों होता क्या है ना, इस इंडस्ट्री का कोटेशन भी है जो यूएस में एमवे ने आज से 60 साल पहले निकाला था। एमवे इज अ लेजेंडरी कंपनी, उन्होंने इस कोटेशन को निकाला था यूएस में आज से 60 ईयर्स पहले। लर्निंग इज अर्निंग इन डायरेक्ट सेलिंग वेलनेस। लर्निंग इज अर्निंग मतलब सीखेंगे तो कमाएंगे। एक्चुअली अगर आपको कोर लैंग्वेज बोलूं तो लर्निंग इज अर्निंग इज नॉट ओनली द फिलोसॉफी ऑफ दिस इंडस्ट्री दोस्तों, लर्निंग इज अर्निंग इज द फिलोसॉफी ऑफ एनी इंडस्ट्री। चलिए आपको छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, आप इस एग्जाम्पल को ध्यान से सुनिए। आप में से भी कोई ना कोई तो डॉक्टर्स के, मेडिकल डॉक्टर्स के पास, जैसे मैं जनरल मेडिसिन से, उसके बाद मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशन में स्पेशलाइज इन रिसर्च में काम किया,
बट मैं हूँ जनरल मेडिसिन, एलोपैथी जनरल मेडिसिन से। अब एक जनरल मेडिसिन डॉक्टर अगर मैं कभी प्रैक्टिस नहीं करता हूँ बिकॉज आई फील बोर इन दैट, मुझे बीमार आदमी को और बीमार में मजा नहीं आता, बीमार आदमी को ज्ञान से ठीक कराना है मुझे मजा आता है, दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू गो एंड सिट एंड प्रैक्टिस इन एनी बोरिंग यू नो चेंबर्स एंड बिकम फैट लाइक दिस बाय सिटिंग इन द चेंबर्स, मुझे पसंद नहीं है। तो एक मुझे बताइए, आप कोई हॉस्पिटल में जाते, लेट्स से काठमांडू में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, सिलीगुड़ी में हो, आप देखेंगे एक जनरल, इवन मैं डॉक्टर के अंदर भी क्लासिफिकेशन दे रहा हूँ, डॉक्टर्स के अंदर जिसको इंडिया में गॉड मानते हैं, ये सबसे टॉप क्लास मानते हैं, तो एक डॉक्टर में भी, एक जनरल मेडिसिन डॉक्टर का फीस होगा लेट से 300 रुपए, 200 रुपए, एक कार्डियोलॉजिस्ट का फीस होगा 500 रुपए, एक सर्जन का फीस होगा मे बी 1000 रुपए, राइट? ये तो आपने भी देखा होगा, मतलब डॉक्टर का जितना क्लास ज्यादा, क्लास बिकॉज ऑफ हिज एजुकेशन एंड लर्निंग, बिकॉज ऑफ हिज लर्निंग, उसका फीस भी उतना, उसका काटने का फीस भी उतना, करेक्ट ना? मैं बोल रहा हूँ इवन एक डॉक्टर्स में देखिए, एक डॉक्टर बनना मतलब लोगों के लिए एक सपना होता है, इवन उस डॉक्टर डॉक्टर के क्लासिफिकेशन में भी दोस्तों, पीपल आर यू आर आर डॉक्टर्स आर गेटिंग अवार्डेड डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू दे आर कैरिंग। इसका मतलब जिसका लर्निंग एकदम सुपर स्पेशलाइज्ड है उसका फीस भी सुपर स्पेशलाइज्ड है, करेक्ट? ये तो आपने 100% देखा, क्योंकि फीस तो आपने जाके दिया होगा, हमने जाके दिया होगा जब हम बीमार हुए, घर वाले बीमार हुए, हमने जाके फीस दिया होगा। तो एक जनरल डॉक्टर का फीस यहाँ पे, स्पेशल वाला कि यहाँ पे सुपर स्पेशलाइज्ड वाला सर्जन का ऐसे बैठा है जो उसका यहाँ पे, क्यों फीस में डिफरेंस है? बिकॉज उसके वैल्यूज, उसका वैल्यू इन द मार्केट में डिफरेंट है। आप बोलेंगे सर उसका वैल्यू इन द मार्केट में डिफरेंट क्यों है? बिकॉज उसका लर्निंग इन दिस मार्केट डिफरेंट है। इसका सिर्फ जनरल लर्निंग है, इसका स्पेशलाइज लर्निंग, इसका सुपर स्पेशलाइज लर्निंग है, तो इसका अर्निंग भी सुपर स्पेशलाइज है और इसका जनरल है। लेकिन वो कोई भी कॉर्पोरेट और ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में, एनी कॉर्पोरेट ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में, अलग अलग लोगों को अलग अलग टाइमिंग ऑफ लर्निंग एंड फैसिलिटी होता है, लेकिन सिर्फ डायरेक्ट वेलनेस इंडस्ट्री में, स्पेशल हमारा ऑडियंस हेल्थ केयर नेटवर्क इंडस्ट्री में, सबके लिए एक इक्वल फैसिलिटी ऑफ लर्निंग एंड अर्निंग होता है, सिर्फ यहाँ पे होता है। आप जाके कहीं पे भी ठंडे दिमाग से सोचिए, तो किसी कॉपी में लिखिए नेम ऑफ डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज, नेम ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर, कॉर्पोरेट, रिटेल, ट्रांसपोर्ट, मेडिसिन, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, इंजीनियरिंग, ट्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी आप देखें, और इस सेक्टर को कंपेयर करें, आप जहां पे ऑडियंस के हेल्थ केयर नेटवर्क को कंपेयर करें, कंपेयर करके कभी दोस्तों देखिए तो कि क्या सब जगह पे इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड इक्वल टाइमिंग ऑफ लर्निंग अर्निंग होता है? नहीं, सब जगह क्या होता है दोस्तों, पहले तुम क्लास 12 पास करो, फिर बीएससी करो, उसके बाद एमएससी करो, पहले क्लास 12 पास करो, फिर बीबीए करो, फिर एमबीए करो, क्लास 12 पास करो, फिर एमबीबीएस करो, उसके एमबीबीएस एमडी करो, उसके बाद ही सुपर कार्डियोलॉजिस्ट बनो, उसके बाद ही सुपर सर्जन बनो, उससे पहले नहीं बन सकते। बट यहाँ पे यू आर अ 5 पास और यू आर अ 5-स्टार पास्ट, इट डजंट मैटर, यू हैव अ इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग, हेंस यू विल गेट इक्वल इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ अर्निंग। वी आर गिविंग यू द इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग, इफ यू टेक दिस इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग सीरियसली, यू विल बी अर्निंग ऑल्सो सीरियसली। बट आपको मैं यही बोलना चाहता हूँ, जैसे इंडस्ट्री ये देना दे रहा है ऑलवेज, इंडस्ट्री इंडस्ट्री ने ऑलवेज देना चाहा ऑलवेज, लेकिन दुख का बात यह है हमारे हिंदुस्तान और नेपाल में लोगों ने लेना नहीं चाहा ऑलवेज। आर यू विथ मी? इस इंडस्ट्री ने, इस सेक्टर ने, इस कॉन्सेप्ट ने, इस फिलोसॉफी ने ऑलवेज देना चाहा यही, लेकिन लोगों ने हिंदुस्तान और नेपाल में लेना नहीं चाहा यही ऑलवेज। इसलिए जहां पे हर जगह ज्ञानियों का नेटवर्क बनना चाहिए था, वहां पे मूर्खों का नेटवर्क बन गया, और मूर्ख को तो मूर्ख बोलेंगे तो वैल्यूएशन भी मूर्ख का देंगे, ज्ञानी को तो ज्ञानी बोलेंगे तो वैल्यूएशन भी ज्ञानी का देंगे। इट मींस बिफोर द लॉकडाउन जो कॉन्सेप्ट में हम लोग बिजनेस करते थे ना, नेटवर्क, लोगों को मोटिवेट करना, ज्वाइन कराना, प्रोडक्ट सेल करना, वो कॉन्सेप्ट को अगर अभी लॉकडाउन में भी यूज करे, एटलीस्ट दिवाली तक सोचिए ऐसे सिचुएशन चलने वाला, वी नो वेरी वेल। हम भी अभी तो हम लोगों के पास एक क्लियर पिक्चर अंडरस्टैंड हो चुका है, दिवाली मैंने क्रॉस होने के बाद भी शायद थोड़ा अनलॉकिंग शुरू करेगा, बिकॉज ताकि गैदरिंग ना हो, दिवाली दुर्गा पूजा मतलब मैसिव गैदरिंग, गवर्नमेंट चाहता नहीं और चाहना भी नहीं चाहिए, बिकॉज इट विल बी बिकम पैंडेमिक, मोर पैंडेमिक। तो वहां से यहाँ तक ऐसे सिचुएशन है, आपको क्या लगता है, क्या हम लोग जाके पुश कर सकते प्रोडक्ट अभी, क्या हम लोग अभी प्लान पुश कर सकते? नहीं कर सकते, बट हम लोग कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जहाँ पे लोग हमारा इस हेल्थ केयर को पुल करेंगे। अब आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है इस करंट मार्केट सिचुएशन में, करंट कंट्री एंड इकोनॉमिक सिचुएशन में, क्या हमें पुश करना चाहिए या हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग हमारे चीज को पुल करें?
मतलब हम नहीं करें लो 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 लो, लेकिन लोग हम काम ऐसा करें कि लोग दे दो करें। व्हाट यू थिंक, कौन सा करना चाहिए दोस्तों? हमें पुश करना चाहिए या काम को ऐसा पुश करना चाहिए कि लोग हमारे चीजों को पुल करें? आई थिंक अगर हम अभी पुश करेंगे ना, हम आगे जाके अभी पुश करेंगे, लोग हमें पुश करा देंगे, आउट करा देंगे, लेकिन हमने कुछ ऐसा काम किया लोग चीजों को पुल करेंगे। सो दिस विल ओनली कमिंग विद द नेटवर्क ऑफ लर्निंग। दोस्तों मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, काफी टाइम क्या हो जाता है, करेक्ट, बिल्कुल नंबर टू इज द राइट आंसर। काफी टाइम क्या होता है कि वी ट्राई टू मोटिवेट पीपल। मैं रोज एक ही चीज सिखाता, आई थिंक लास्ट 7 डेज में मैंने वर्ड्स बोला, मैं फिर से बोलूंगा नेक्स्ट 7 डेज में बोलूंगा। काफी टाइम क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग में कोई एक लीडर फेल क्यों करता है? मैं आप लोगों के जैसे इतना लेजेंडरी लीडर तो नहीं हूँ, बट लेजेंड्स के साथ उठना बैठना काम करके थोड़ा लेजेंड्स के बारे में सीख भी चुका हूँ। मैं तो हूँ छोटा मोटा, जस्ट आप लोगों के जैसे बड़ा लीडर नहीं हूँ, जस्ट स्मॉल गाय, बट स्टिल थोड़ा बोल रहा हूँ बिकॉज बड़े बड़े लेजेंड्स के साथ उठना बैठना करके ना सीखते लोग, तो कोई कोई चीज हर चीज बुक से नहीं सीखते। तो काफी टाइम लोग इस इंडस्ट्री में फेल क्यों करते हैं, आई टेल यू, बिकॉज पीपल ट्राई टू बिकम द मोटिवेटर फॉर देयर टीम, पीपल ट्राई टू बिकम द मोटिवेटर फॉर पीपल। लीडर्स जो लीडर होते हैं, लीडर्स ट्राई टू बिकम द मोटिवेटर, दे वॉन्ट टू गिव मोटिवेशन, दे वॉन्ट टू बिकम अ मोटिवेटर इन फ्रंट ऑफ द मार्केट, इन फ्रंट ऑफ द टीम, दे फेल। दोस्तों हमें मोटिवेटर नहीं बनना है टीम का, हमें मेंटर बनना है। आर यू विथ मी? हमें मोटिवेटर नहीं बनना है, हमें मेंटर बनना है। आप बोलेंगे सर मोटिवेटर और मेंटर में क्या फर्क है? मोटिवेटर इज वन वे ट्रैफिक, सिर्फ वन वे। आप दे रहे हो दे रहे हो दे रहे हो, आपको पता नहीं लोग ले रहे ले रहे ले रहे नहीं, आप दे रहे दे रहे दे रहे लेकिन लोग ले रहे कि नहीं कोई पता नहीं। लेकिन जो मेंटर होगा ना, पहले वो लोगों से लेगा, क्या लेगा उन लोगों, अब मेरे टीम को चाहिए क्या, वो चीज लोग टीम से लेगा, उसके अकॉर्डिंग वो टीम को देगा। आया कुछ समझ में? आया मेरे भाषा समझ में? आया जो मोटिवेटर और मेंटर में फर्क क्या होता है ना दोस्तों? मोटिवेटर दे रहा है, उसको पता नहीं टीम ले रहा है कि नहीं, बिकॉज उसको ये पता नहीं चलता है कि टीम को चाहिए क्या, मार्केट को चाहिए क्या, सिचुएशन को चाहिए क्या, कंडीशन को चाहिए क्या। सो ही इज जस्ट गिविंग, जस्ट वो दे रहा है, देते ही जा रहा है, लोग लेते ले ही नहीं पा रहे, लेकिन वो देते जा रहे हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो जानबूझ के गलत दे रहा है, मैं ये भाषा नहीं यूज कर रहा हूँ, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, मोटिवेटर जानबूझ के गलत दे रहा है मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। मोटिवेटर क्या हो रहा है, मोटिवेटर सोचता है मैं मोटिवेट कर सकता हूँ लोग। दोस्तों एक बात आपको बोलता हूँ, क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच, हॉकी मैच, कोई भी ना, कि बैडमिंटन मैच, टेनिस मैच जिसमें सिंगल प्लेयर भी खेलते, पिंग पोंग बोलिए, कोई भी चीज में ना, जो उसका गुरु होता है उसको बोलते हैं कोच, मीन्स मेंटर, मोटिवेटर नहीं, याद कीजिएगा। बिकॉज एक मेंटर एक ऑटोमेटिक मोटिवेटर होता है, लेकिन एक मोटिवेटर कभी भी मेंटर नहीं होता है। आर यू विद मी? एक मेंटर ऑटोमेटिक मोटिवेटर होता है, लेकिन एक मोटिवेटर कभी मेंटर नहीं होता है। अगर आपने सोचा मैं मेंटरशिप करूंगा तो मेंटरिंग करूंगा तो ऑटोमेटिकली मोटिवेटिंग हो ही जाएगा, लेकिन अगर आप मोटिवेटर होने का कोशिश करेंगे मेंटर कभी नहीं हो पाएंगे। वह आप बोलेंगे सिर्फ क्यों नहीं? दोस्तों मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूँ, और कैमरा में, क्योंकि मैं सबको कैमरा देख पा, तो कैमरा में थम्स अप कीजिएगा अगर आपको समझ में आए मेरे बात को। अब मुझे एक बात बताइए कि बीमारी, सपोज किसी को बीमारी है, मतलब हेल्थ डिजीज, बीमारी हाथ पकड़ने से पता चलेगा या नाड़ी पकड़ने से? नाड़ी पकड़ने से तो 2 दिखाई, हाथ पकड़ने से 1 दिखाई। किसी के अंदर बीमारी है कि क्या बीमारी, वो कैसे पता चलेगा, हाथ पकड़ने से या नाड़ी पकड़ने से? उंगली में दिखा सकते, ये है 1 हाथ पकड़ना, ये है 2 नाड़ी पकड़ना, क्या पकड़ने से पता चलेगा बीमारी है, और कौन सा बीमारी, हाथ पकड़ने से नाड़ी पकड़ने से पता चलेगा? इट मींस एक मोटिवेटर हाथ पकड़ता है, एक मेंटर नाड़ी पकड़ता है। नाड़ी पकड़ता है मतलब बीमारी क्या है टीम में, मतलब प्रॉब्लम क्या है टीम में, इश्यूज क्या है टीम में, चाहिए क्या है टीम में, वो पता लगा लेता है, अकॉर्डिंगली वो अपना सोल्यूशन या ट्रीटमेंट देता है और वो हिट हो जाता है। वही सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है, क्योंकि इफ यू बिकम अ PSP, इफ यू बिकम अ PSL, यू विल बी द बिगेस्ट मोटिवेटर फॉर एवरीवन इन द होल वर्ल्ड। आप बोलेंगे सर PSP क्या और PSL क्या है? PSP इफ यू बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट, PSL मींस इफ यू बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्विंग लीडर, राइट? मैं फिर से बोल रहा हूं, PSP मींस इफ यू बिकम अ योरसेल्फ, यू बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट, दैट मींस आपका, हमारा प्रोडक्ट भी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट में आया। If you are a PSP or carrying a PSP with you, that is problem solving product, you will be the biggest motivation. If you become the PSL, problem solving leader, you will become the biggest motivation. लेकिन आप बोलेंगे सर मैं PSP
है ना, पीएसपी और पीएसएल बानू कैसे, ऐसा थोड़ा सा एक बात बताइए। तो एक न्यू वर्ड बोल रहा हूँ क्योंकि मैं न्यू इनोवेशंस में ज्यादा विश्वास करता हूँ। आपके लिए न्यू वर्ड्स दिमाग में लिख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए। अगर आपको पीएसपी आपको पीएसपी या पीएसएल बनना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट या प्रॉब्लम सॉल्विंग लीडर बन के सक्सेस होना है, सबसे पहले PUUL बनना है। आप बोलेंगे क्या सर, नहीं समझ में। PUL बनना है, PUULL नहीं, PUL बनना है, न्यू वर्ड है। आप सोच रहे सर PUL क्या है? PUL मीन्स प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग लीडर। आर यू एबल टू गेट मी? आया कुछ समझ में? आपको PUL बनना है, प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग लीडर। इफ यू बिकम अ प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग लीडर, दैट्स द टाइम यू विल अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड देन यू कैन गिव सॉल्यूशन। आप ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग लीडर बन जाते हैं। अब अगर आप एक प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग लीडर बनते हैं, मतलब यू आर अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। मैं पर्सनल प्रॉब्लम का बात नहीं करूं, किसी का गर्लफ्रेंड छोड़ दिया, किसी का बॉयफ्रेंड छोड़ दिया, किसी का लड़ाई हो गया, वो वाला मैं बात नहीं कर रहा हूँ। किसी के घर में लड़ाई हो रहा है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस। द प्रॉब्लम्स योर टीम इज फेसिंग टू ग्रो, द प्रॉब्लम्स योर टीम इज फेसिंग टू ग्रो, इफ यू अंडरस्टैंड दैट प्रॉब्लम, दैट मीन्स यू आर अ PUUL, प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग लीडर। देन यू विल अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, मीन्स आप समझ गए। आप जब समझ गए ना प्रॉब्लम, आप पता है सोच में पड़ जाएंगे। क्या सोच में पड़ जाएंगे? इसको मैं सुलझाओ कैसे? पहले करना है क्या, प्रॉब्लम को समझना है। आप बोलने से प्रॉब्लम को समझने के लिए क्या करना है थोड़ा बताइए तो। प्रॉब्लम को सुनना है। आर यू गेटिंग मी? क्या है? प्रॉब्लम को सुनना है। आप बोलेंगे सर प्रॉब्लम को कैसे सुन पाऊंगा? अगर आप मेंटरशिप कर रहे हैं तो ही लोग आपको प्रॉब्लम बताएंगे और आप प्रॉब्लम को सीरियसली सुनेंगे। जब आप प्रॉब्लम को सीरियसली सुनेंगे, प्रॉब्लम को सीरियसली समझेंगे, जब प्रॉब्लम को सीरियसली समझेंगे उसके बारे में सीरियसली सोचेंगे, और उसके बाद जब सीरियसली आप उसको सोचेंगे सोचेंगे सोचेंगे, एक दिन जरूर उस प्रॉब्लम को आप सुलझाएंगे, ना कि उलझाएंगे। आर यू एबल टू गेट मी? एक दिन उस प्रॉब्लम को आप सुलझाएंगे, ना कि उलझाएंगे। इसका मतलब दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ए PSL एंड ए PCL। PSL मींस प्रॉब्लम सॉल्विंग लीडर, PCL मींस प्रॉब्लम क्रिएटिंग लीडर। और एक और वर्ड है PSBL, PSBWL, ये जोक है। तो आप बोलेंगे सर PSBWL नहीं समझ में आए, प्रॉब्लम से भागने वाले लीडर, उसको PSBWL बोलते हैं सर, न्यू वर्ड आई जस्ट मेड। तो आपको PSBWL नहीं बनना, प्रॉब्लम से भागने वाले लीडर। तो लोग ऑटोमेटिक आपसे भाग जाएंगे, प्रॉब्लम से भागने वाला लीडर नहीं बनना है। आपको PSL ही बनना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग लीडर, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट। सब उसके लिए सबसे पहले PUL बनना है, प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग लीडर। वो हो सकता है जब मेंटर। तो अब मैं बोलता हूँ मेंटर क्यों इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब ऑडियंस न्यूट्रोसिटिकल के ऊपर ही मेंटरशिप और मोटिवेटरशिप में आते हैं। इफ वी आर गोइंग एंड ट्राइंग टू मोटिवेट पीपल, देखिए एक होता है मास ट्रेनिंग। एक मास ट्रेनिंग में तो आप मेंटर यू कैन गिव ट्रेनिंग। काफी टाइम आपके ट्रेनिंग में मेंटरशिप हो जाता है, माने पीपल फील यू आर टॉकिंग देयर हार्ट, यू आर टॉकिंग अबाउट देयर प्रॉब्लम्स। तो काफी समय दोस्तों ऐसा क्या होता है कि जब हम किसी को कोई एक चीज ले जाके, हमारे ऑडियंस के प्रोडक्ट, हमारे ऑडियंस का कॉन्सेप्ट और हेल्थ केयर नेटवर्क को ले जाके मोटिवेट कर रहे हैं ना, वी एक्चुअली डोंट नो व्हाट दे हैव अ फीलिंग, व्हाट दे आर फीलिंग, आर दे अंडरस्टैंडिंग और दे नॉट अंडरस्टैंडिंग, वी डोंट नो। So we are just giving, but we don't know if they are taking. We are throwing, but we don't know if they are catching. Are you able to get me? हम लोग फेंक रहे हैं, हमें पता नहीं उसको पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहे हैं। लेकिन अगर आपने सबसे पहले उसका बीमारी नाड़ी पकड़ के पकड़ा, तो ऑटोमेटिकली आप उसका नाड़ी ठीक करेंगे, तो वो दूसरे का नाड़ी ठीक कर पाएगा। This is called the transformation of solution. What is Orient's nutraceutical? ये सबके लिए है ना, सबके प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए ना। सबके प्रॉब्लम ठीक कैसे कर पाएगा ये प्रोडक्ट? अगर वो सब तक पहुंच पाएगा तो सबका प्रॉब्लम ठीक कर पाएगा, राइट? हमारा ऑडियंस का जो न्यूट्रोसिटिकल, इट्स अ PSP, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में प्रिवेंशन भी आया, क्योर भी आया। क्योर भी आया मतलब बीमारी से बाहर निकालना, बीमारी से दूर रहना भी आया। तो ये हमारा PSP, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट, सबको ठीक कर पाएगा और सबको ठीक कर देगा। सबको ठीक तब कर पाएगा जब वो ठीक सब तक पहुंचेगा। सब तक पहुंचेगा तभी सब उसको सब सब उसे ठीक हो पाएंगे। अगर सब तक पहुंचेगा तो
तो लोग उसको सब उसके साथ ठीक हो पाएगा। अब आप बोलेंगे सब तक पहुंचेगा, यस सर हम सब तक पहुंचाएंगे प्रोडक्ट को। सब तक कैसे पहुंचाएंगे आपको क्या लगता है? सब तक मतलब हिंदुस्तान में 135 करोड़ लोगों तक ये नहीं पहुंचेगा। सोचिए आपका टारगेट है कि मुझे नेक्स्ट 5 ईयर्स में ये प्रोडक्ट नेपाल में 10 लाख लोगों के स्टमक तक पहुंचाना है, ताकि वो प्रोडक्ट पहुंच जाए तो उनका भी अच्छा हो जाए, मेरा भी अच्छा हो जाए, ये एम है। इंडिया में आप सोच रहे 10-20 लाख लोग मेरे नेटवर्क में इस प्रोडक्ट को यूज करें, मतलब आप सोच रहे ये सब तक, मतलब एक पोटेंशियल कैटेगरी का बात कर रहा हूँ, एक पोटेंशियल कैटेगरी में सब तक ये प्रोडक्ट, सब सब ये लोग सब प्रोडक्ट, सब लोग ये प्रोडक्ट लेना चाहिए, मतलब आप सबको देना चाहिए। प्रोडक्ट देने जाएंगे तो कोई लेगा नहीं, प्रोडक्ट दे रहे हैं नो बडी इज टेकिंग, यू आर ट्राइंग टू गिव द प्रोडक्ट नो बडी इज टेकिंग, क्योंकि प्रोडक्ट तब तब सब तक पहुंचेगा जब उस प्रोडक्ट को पहुंचाया जाएगा। अब प्रोडक्ट खुद हम भी पहुंचाएंगे, लेकिन उस प्रोडक्ट को, अगर इस प्रोडक्ट को पहुंचाना है, सब तक पहुंचाना है या एक एक टारगेट तक पहुंचाना है, तो एक चीज हमें अंडरस्टैंड करना है, अगर हम लोग प्रोडक्ट को थोड़ा सा पीछे रखे, थोड़ा सा इसको बैक में रखे, आगे द द कॉन्सेप्ट को, मीन्स कॉन्सेप्ट मीन्स नेटवर्क मार्केटिंग में बोल रहा हूँ, इस प्रोडक्ट का वैल्यूएशन को ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, इस प्रोडक्ट का नीड को, इस प्रोडक्ट के वैल्यूएशन को, इस प्रोडक्ट का क्यों रिक्वायरमेंट, इट मीन्स अगर हम लोग नॉलेज को थोड़ा आगे रखते हैं तो ऑटोमेटिकली नॉलेज की वजह से ये प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली प्रोमोट को लेने के लिए जाएंगे, कॉन्सेप्ट को देने के लिए जाएंगे, कोई भी नहीं लेगा, ऐसा ही होता है। दैट मींस ये पहला वाला, ये जो दूसरा वाला स्ट्रेटजी प्रोडक्ट ही पुश कर रहे, दैट मींस दिस इज लाइक यू आर फोकसिंग ऑन नेटवर्क, जॉइनिंग जॉइनिंग जॉइनिंग, सेल्स सेल्स सेल्स, नेटवर्क नेटवर्क नेटवर्क, हो नहीं रहा है लास्ट तक। तो काफी टाइम लीडर्स क्यों डिसअपॉइंट हो रहे, यार इस क्लोजिंग में बड़ा बिजनेस हुआ, इतना लोग ज्वाइन किया, इस महीने मेरा अच्छा हुआ, फिर अभी वो लोग बैठ गया, हम बोलते हैं ना टीम बैठ गया, आप लोग भी काफी टाइम लैंग्वेज यूज कर, तो मेरा टीम ना बैठ गया, वो वाला टीम बैठ गया, ये वाला टीम बैठ गया, क्यों बैठ गया, वही टीम बैठ जा रहा है। टीम बैठने का एक सबसे बड़ा कारण है कि हम उनको क्या सिखा रहे हैं, उन क्या हम लोग सिखाएंगे, उसके बाद से क्या हम लोग दिखाएंगे उनको, वही दिखेगा, इस चीज को अंडरस्टैंड करें। अगर हमारे टीम को भी दिख रहा जाके नेटवर्क ज्वाइनिंग 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 करो, वो नहीं कर पा रहे, एक दिन वो भी ऐसा बैठ जाएगा, ये काम मेरे बस का नहीं है, क्या हो जाएगा, एक दिन वो भी बैठ जाएगा, ये काम मेरे बस का नहीं। मैं आपको बोलता हूँ दो कारण के वजह से लोग काफी टाइम, आपका कोई डाउन लाइन न्यू प्रोस्पेक्ट हो, ओल्ड प्रोस्पेक्ट हो, एग्जिस्टिंग टीम हो या न्यू मेंबर हो, दो कारण, ओनली दो कारण होता है साइकोलॉजिकली, जिस कारण के वजह से ही बहुत आपका टीम के लोग, आप सोचते हैं ये बहुत पोटेंशियल है, और बहुत पोटेंशियल है, वो बहुत सच्चा है, अच्छा है, पोटेंशियल है, आपको भी बहुत पसंद करता है, आपको भी बहुत रेस्पेक्ट करता है, ठीक, आपको बहुत प्यार करता है, आपको अपना मानता है, इसलिए बार बार आपसे मिलता भी, आपका फोन भी उठाता है, यस सर, नो सर, यस मैम, नो मैम बोलता है, लेकिन काम नहीं करता है, आप काफी टाइम फ्रस्ट्रेट फील करते हैं ना, मैं इसको इतना बार मोटिवेट कर रहा हूँ, मैं इसको इतना बार मिल रहा हूँ, इतना सारे मैं प्रमोशन भेज रहा हूँ, इस बार ये प्रमोशन है, इस बार ये है, हमारा कंपनी ने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया, हमारा देखो प्लान ऐसा है, हमारा कंपनी न्यू ऑफिस खोला, मैं उसको इतना सारा कुछ दे रहा हूँ, लेकिन वो ले क्यों नहीं रहा है, आपको ऐसा लगता है ना। I'll tell you why these people are not able to work. किस कारण से ये लोग काम नहीं कर पाते, इस प्रोडक्ट के साथ जाके आगे नहीं बढ़ रहे हैं। I'll tell you the reason. ऐसा नहीं कि वो आपको पसंद नहीं करता, वरना आपको ब्लॉक मार देता था। ऐसा नहीं कि वो आपको भरोसा नहीं करता है, वो बात भी सच नहीं है, वो आपको भरोसा करता है। ऐसा नहीं कि ऑडियंस के प्रोडक्ट को पसंद नहीं करते, कि उसने प्रोडक्ट खा के हो सकता है उसका रिजल्ट भी आ चुका है, आपके साथ हुआ है ना बहुत बार मेरे डियर लीडर्स, कि आपका कोई एक कस्टमर कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट खा के बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन वो बिजनेस नहीं कर रहा है, हुआ है ना आपके साथ 100% हुआ होगा, प्रोडक्ट खा के अच्छा हुआ है लेकिन अच्छे से बिजनेस नहीं कर रहा है, कर ही नहीं रहा है, भागी नहीं, मैंने शुरू नहीं किया, उसने रोज बोलता है हाँ सर करूंगा, हाँ, आप उससे आके मिलते हैं फोन में 1 घंटे बात करते हैं, फिर मिलते हैं, फुल मोटिवेट करते हैं, वो यस मैं करूंगा, हाँ मैं करूंगा बोल के जाके नहीं करता है, हुआ है कि नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो आप मुझे यस लिख सकते हैं, सर ये हुआ है और ये हो रहा है। आई टेल यू द रीजन, ऐसा क्यों, आई रियली टेल यू द डैम रीजन व्हाट दिस इज हैपनिंग, बिकॉज आपको दो चीज उसको सिखाना होगा, समझाना होगा, अंडरस्टैंड कराना होगा, दो चीज ये है कि ये काम बिल्कुल हो सकता है और ये काम वो बिल्कुल कर सकता है। मैं हिंदी में थोड़ा उलझा के भाषा को बोल रहा हूँ, बट आप क्लियर हो जाएंगे अगर 3 बार मेरे बात सुनेंगे। काम का नाम क्या है,
हेल्थ केयर नेटवर्क, काम का नाम क्या है, बिजनेस का नाम क्या है, या इस वर्क का नाम क्या है, ओरियंस हेल्थ केयर नेटवर्क, करेक्ट। अब मैं हूँ आपका डाउनलाइन, न्यू प्रोस्पेक्ट हूँ, प्रोडक्ट खाया हो, ठीक लगा है, अब न्यू हूँ, लेकिन आप मेरे को एक महीने से दो महीने से मिल रहे हैं, मैं हैंडशेक कर रहा हूँ बट आपके साथ बिजनेस नहीं कर रहा, यस यस बोल रहा हूँ, यस यस सर बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आप तो बहुत अच्छे सर, आप जैसे लीडर बनना है, लेकिन मैं काम नहीं कर रहा हूँ, जा नहीं रहा हूँ। सो दो कारण से है, एक तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है ये काम हो सकता है, और दूसरा मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये काम मैं कर सकता हूँ। अगर कोई भी एक आपके डाउनलाइन टीम को ये क्लैरिटी आ जाए, ये काम बिल्कुल हो सकता है और ये काम बिल्कुल मैं कर सकता हूँ, तब वो कर देगा काम। काफी टाइम लोगों को क्या फीलिंग होता है, ये काम बिल्कुल हो सकता है, ओरियंस का हेल्थ केयर नेटवर्क में ये सर ये मैम सक्सेस हो रहे, मतलब ये काम बिल्कुल, काफी टाइम लोगों को ये फीलिंग आता है ये काम बिल्कुल भी नहीं हो सकता है तो मैं तो कर ही नहीं सकता। दो फीलिंग देखिए, लेकिन अगर किसी का प्रॉपर मैचिंग होता है, जैसे एक गुड स्पर्म और एक गुड ओवम का मैचिंग होता है ना, तब जाके गुड एम्ब्रियो बनता है, हम इंसान ऐसे एवोल्यूशन में आए हैं, दैट्स ह्यूमन रिवोल्यूशन। तो दोनों का मैचिंग होना चाहिए, स्पर्म और ओवम का सेम वे, इन दोनों चीजों का भी मैचिंग होना चाहिए। मैचिंग क्या होना चाहिए, ये काम बिल्कुल हो सकता है और ये काम बिल्कुल मैं कर सकता, अब वो इस काम को करेगा, दोनों में से एक भी नहीं है तो काम को नहीं करेगा। आपको मैं एक क्या बोलते हैं एग्जांपल देता हूं, अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करें। देखिए फ्लाइट में तो हम लोग बहुत चढ़े, यू नो मेरा एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग है फ्लाइट में चढ़ने का, तो बिकॉज ऑफ ऑडियंस ट्रेनिंग एंड ऑल दिस हम सब लोग फ्लाइट में चढ़े। पायलट को सब लोग मानते हैं, पायलट फ्लाइट उड़ाता है, देश विदेश जाता है, इतने सारे लोगों का जान को रिस्क में लेके जाता है, यू नो फ्लाइंग ऑन द एयर सो हाई। So, आप एक बात को सोचिए, आपके दिल में भी है कि पायलट का काम बहुत बढ़िया है, हाँ पायलट इस फ्लाइट को उड़ा सकता है 10 घंटे तक, उड़ा के यहाँ से यूरोप लेके जा सकता है, दिल्ली से यूरोप लेके जा सकता है 10 घंटे फ्लाइट को उड़ा के, ये आपको पता है बिल्कुल हो सकता है। लेकिन आपको तो ये भी पता है ना, ये काम आप बिल्कुल नहीं कर सकते, मैं अपना ही बोल रहा हूँ, ये काम हम बिल्कुल नहीं कर सकते, ये तो पता है ना। तो आप अभी पायलट की सीट में बैठोगे, पायलट की सीट में नहीं बैठोगे ना, क्योंकि आपको पता है ये काम बिल्कुल हो सकता है कि ये फ्लाइट ये पायलट उड़ा के 10 घंटे लेके जाएगा आगे, लेकिन ये काम बिल्कुल मैं नहीं कर सकता, तो आप पायलट की सीट में बैठोगे, नहीं बैठोगे ना। और अगर आपको ये फीलिंग हुआ कि ये फ्लाइट बिल्कुल भी 10 घंटे उड़ के नहीं जा सकते, फ्लाइट बिल्कुल भी 10 घंटे उड़ा के नहीं जा सकते, तो आप फ्लाइट में भी नहीं बैठोगे, पायलट बनने का सोचोगे भी। इट मीन्स दोनों चीज होना चाहिए ना, अगर आपको फ्लाइट को खुद उड़ाना है, ये फ्लाइट बिल्कुल उड़ सकता है और इस फ्लाइट को बिल्कुल मैं उड़ा सकता हूँ, तब आप पायलट की सीट में जाओगे, मतलब आपको पायलटिंग जानना है। लेकिन वो मैंने इतना हाई एंड प्रोफेशन का बात किया, लेकिन मैं जिस इंडस्ट्री का हम लोग बात करें, ओरियंस हेल्थ केयर नेटवर्क जिसमें हम लोग हैं, यहाँ पे तो एवरीवन इज सेम, इट्स ओपन टू ऑल, बिकॉज ओपन टू ऑल अपॉर्चुनिटी, नॉट ओनली ओपन टू ऑल टू कम, ओपन टू ऑल टू ग्रो। सो अगर एक इंसान के अंदर कोई एक आपके डाउनलाइन और प्रोस्पेक्ट के अंदर ये समझ आ जाए, ये अंडरस्टैंडिंग आ जाए, सिर्फ बोलने से नहीं होगा, अगर उसके दिमाग के अंदर वो पिंग करके बाती जल जाए, वो पिंग पॉन्ग टिंग टिंग जल जाए कि ये काम, माने ओरियंस हेल्थ केयर नेटवर्क, ये काम बिल्कुल हो सकता है और मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, अब उसके अंदर वो शामिल होके कर देगा और सक्सेस भी हो जाएगा। काफी टाइम क्या होता है, आप किसी को एक बहुत बढ़िया छवि दिखा रहे, पिक्चर दिखा रहे, बहुत बहुत बढ़िया एक पिक्चर आप किसी को दिखा रहे, राइट। और आप सोचिए, मैं आपको आपके साथ एग्जांपल दे रहा हूँ, हर कोई इमेजिन करे कि मैं आपके साथ डायरेक्टली बात कर रहा हूँ, मैं आपको एक बहुत बढ़िया छवि दिखा रहा हूँ, बहुत बड़ा पिक्चर दिखा रहा हूँ, बहुत बढ़िया सा, आप उसको देख के बोल रहे लाजवाब है, बहुत बढ़िया है, सुपर है, लेकिन उस पिक्चर में मैं चाहता हूँ कि आप भी शामिल हो, मतलब मैं वही चाहता हूँ कि उस पिक्चर में आप शामिल हो। मैंने पिक्चर को बढ़िया से दिखाया, आपको पिक्चर बढ़िया लगा, लेकिन कैसे भी अपने आप को उसके अंदर आपको नहीं लगा, पिक्चर आपको बढ़िया लगा लेकिन उसके अंदर आप भी शामिल हो सकते हैं वो नहीं लगा, आप शामिल होंगे उस पिक्चर के अंदर, नहीं शामिल होंगे ना। अगर वो पिक्चर बढ़िया ही नहीं लगा तो शामिल होने का बात ही नहीं लगा, वो तो दूर चला गया, लेकिन वो पिक्चर बढ़िया लगा, लेकिन पिक्चर के अंदर अपने आप शामिल, आप भी उसका हिस्सा बन सकते वो नहीं लगा, तो उसका हिस्सा बनने का कोशिश भी नहीं करेंगे आप। इसका मतलब ओरियंस हेल्थ केयर नेटवर्क का पिक्चर सिर्फ लोगों को बढ़िया लगाना काफी नहीं है, उस पिक्चर में वो भी बढ़िया बढ़िया हो सकता है वो लगाना एंडिंग क्लोजिंग है। अक्सर लोग हारते कहां पे हैं,
अक्सर लोग बहुत मेहनत करके भी टीम को उठा क्यों नहीं पाते, वो लोग बढ़िया पिक्चर तो श्योरली दिखाते हैं, बढ़िया पिक्चर को एकदम बढ़िया तरीके से दिखाते हैं, सच्चा दिखाते हैं, वो झूठ एकदम क्लियरली दिखाते हैं। दिस इज द पिक्चर इफ दिस ऑडियंस हेल्थ केयर नेटवर्क, दिस इज द पिक्चर ऑफ द सक्सेस है। इफ वी वर्क लाइक इफ वी वर्क हियर वी विल बी सक्सेस हियर, एकदम सच है, एकदम 100% ट्रू है। लेकिन हम जिसको दिखा रहे हैं, आप जिसको दिखा रहे हैं टीम को डाउनलाइन में, वन टू वन मीटिंग हो या क्राउड मीटिंग हो, आप उसको दिखा रहे इस पिक्चर, इस सक्सेस का पिक्चर ऑडियंस हेल्थ केयर नेटवर्क, तो ऑपोजिट वाला सोच रहा है ये बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो ये सोच रहे हैं मैं बिल्कुल इसको नहीं कर सकता हूं, लेकिन ये बिल्कुल हो सकता और बिल्कुल हो रहा है। एंटीसिपेटेड फेलियर मींस वी आर ऑलरेडी थिंकिंग कि ये काम मैं नहीं कर सकता हूं। सो इफ यू आर ऑलरेडी थिंकिंग प्री मेडिटेटेड और प्री एंटीसिपेटेड फेलियर दिमाग में बैठ गया, कौन उस फेलियर के काम में हाथ डालना चाहेगा? कोई भी नहीं चाहेगा। Nobody want to put that hand, nobody want to put themselves in that failure. इसका मतलब उसको ये लगता है ये काम सक्सेसफुल जरूर होगा लेकिन मैं इसमें सक्सेस नहीं हो सकता, मतलब ये काम बिल्कुल हो सकता है लेकिन मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। दोस्तों मैचिंग परफेक्ट होना चाहिए, शादी तब होता है ना, दूल्हा दुल्हन दोनों मैचिंग होगा तब ना शादी होगा। सिर्फ दूल्हा राजा नाच रहा है, दुल्हनिया नहीं है कहां से शादी होगा? सिर्फ दुल्हनिया सच के बैठी है, दूल्हा राजा नहीं आए तो कहां से दुल्हन को कौन लेके जाएगा? मैचिंग परफेक्ट होना चाहिए तब जाके ना शादी होगा। दूल्हा है दूल्हा नहीं है, दुल्हन बैठी है दूल्हा कहाँ पे शराब फराब पी पे लेट के लेटा है कहीं पे रास्ते में, शादी कहाँ से होगा? मैचिंग परफेक्ट होना चाहिए ना। सो मैचिंग परफेक्ट होने के लिए दोस्तों इसका मतलब दोनों का मैचिंग होना चाहिए। ये काम बिल्कुल हो सकता है, मैंने यहाँ पे सक्सेस बिल्कुल हो सकता है और मैं भी सक्सेस यहाँ पे बिल्कुल हो सकता हूँ, डन, आपको चल पड़ेगा। And this will only come with a mentorship. मैं आपको क्या बोलूं, मैं ऊपर से बोलूंगा क्योंकि अगर मैं पूरा इसको explain करूं, it takes 3-4 hours. आप लोग जो कोर्स में थे आपने देखा इसमें काफी सारे ऐसे डिटेल्ड प्रोडक्ट वाइज छपी समझ में आता है, प्रोडक्ट को आगे लेके जा सकता है लोग, कैसे लेके जा सकता है, ऑल द टेक्निक्स और उसका रिजल्ट आपने देखा है। सो मैं ऊपर से आज बोला क्योंकि मैं ज्यादा बोलूंगा तो अब टेंजेंट जाएगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा। एब्जॉर्ब मतलब घुसना, टेंजेंट मतलब छू के जाना, बोल के फायदा नहीं अगर छू के जाना शुरू किया। So we have to understand these two facts. किसी भी इंसान के अंदर बस ये अगर लग जाए, ऑडियंस का हेल्थ प्रोडक्ट, हेल्थ केयर नेटवर्क प्लेटफॉर्म, इसमें सक्सेस बिल्कुल हो सकता है और मैं भी इसको बिल्कुल कर सकता हूँ, आपका काम डन, अब वो करेगा। लेकिन इसके लिए ना दोस्तों मोटिवेटर नहीं होना है आपको, इसके लिए दोस्तों आपको मेंटर होना है। मोटिवेटर मतलब आप सब कुछ दिखा रहे हो उसको, आप उसको सब कुछ सिखा रहे हो लेकिन वो सीख रहा है या देख रहा है वो आपको पता नहीं, क्योंकि आपको ये आइडिया नहीं है कि उसके सोच में क्या है, ये आइडिया नहीं है कि उसका सिचुएशन में क्या है। मतलब एक मोटिवेटर, एक सिंपल मेडिकल वर्ड में बोल रहा है, एक मोटिवेटर हाथ पकड़ता है लेकिन एक मेंटर नारी पकड़ता है, और जैसे वो नारी पकड़ लिया उसको बीमारी पता चला, पकड़ो नारी समझो बीमारी, है कुछ समझ में? क्या बोलते हैं हिंदी में, पकड़ो नारी समझो बीमारी, है ना? अगर आप पकड़ो नारी समझो बीमारी हो गया तो बीमारी का इलाज भी आप समझ गए क्या इसको इलाज चाहिए। अलग अलग नारी में अलग अलग बीमारी दिखाएगा तो अलग अलग ऑफ कोर्स आप उसको सॉल्यूशन भी देंगे। सो दिस इज हाउ एक्चुअली द रियल, अगर कोई रियल प्लेटफॉर्म का बात करें देन द रियल प्लेटफॉर्म विल एक्चुअली वर्क लाइक दिस डियर फ्रेंड्स। मैं आपको ये बोलना चाहूंगा बिकॉज द रियल जो एक प्लेटफॉर्म होता है जिसके वजह से ये काम होगा, उस चीज को समझना है कि ये दिस बिजनेस इज अबाउट पीपल्स साइकोलॉजी, दिस बिजनेस इज अबाउट पीपल्स माइंडसेट। इफ दे आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट द प्रोडक्ट, इफ दे आर नॉट नॉलेजेबल अबाउट द प्रोडक्ट, इफ दे आर नॉट कॉन्फिडेंट एंड नॉलेजेबल अबाउट दिस हेल्थ केयर नेटवर्क प्लेटफॉर्म एंड दे आर नॉट कॉन्फिडेंट एंड नॉलेजेबल अबाउट देमसेल्व्स इन दिस प्लेटफॉर्म, दे विल नॉट वर्क इन दिस प्लेटफॉर्म। वन मोर टाइम फिर से रिपीट करता हूँ, अगर किसी के अंदर जान पहचान समझ ज्ञान इस हेल्थ केयर प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं है और अपने ऊपर विश्वास नहीं है कि मैं इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन के भी सक्सेस हो सकता हूँ, कभी भी वो काम नहीं करेगा, वो करेगा ही नहीं। वो बोलेगा आपको मुंह से हाँ मैं करूंगा हाँ मैं कर रहा हूँ, वो नहीं करेगा, वो बोलने के लिए बोल रहा हूँ करेगा नहीं, बिकॉज एक्चुअली यू आर ट्राइंग टू डू हिज वर्क। तो आप बोलेंगे सर आपका क्या मतलब है आई एम ट्राइंग टू डू हिज वर्क? देखिए सबका अपना अपना ड्यूटी होता है, जैसे हार्ट का ड्यूटी है ब्लड सर्कुलेशन, इंटेस्टाइन का ड्यूटी है मोशन, स्टमक का ड्यूटी है डाइजेशन, सबने अपना अपना काम किया ना, राइट? अभी स्टमक का ड्यूटी इंटेस्टाइन कर, इंटेस्टाइन का ड्यूटी हार्ट कर, हार्ट का ड्यूटी इंटेस्टाइन कर, तो पूरा बॉडी बिगड़ जाएगा, सिस्टम भी बिगड़ जाएगा।
करेक्ट। तो सबका अपना अपना ड्यूटी है। आप बोलेंगे सर ये इंटेस्टाइन हार्ट से, तो ये मैं उसका और मेरा ड्यूटी नहीं समझ में आया। मैं बोला ना मोटिवेटर और मेंटर का डिफरेंस। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये जो आप रोज जूम मीटिंग में आ रहे हैं, आते हैं जूम मीटिंग में, सुनने के बाद काम को करते हैं, आपको पहला दिन किसी ने इंस्ट्रक्ट किया होगा, किसी ने एडवाइस किया होगा आने के लिए जूम मीटिंग में, आपको जूम मीटिंग मेरा अच्छा लगा, ये सुन के काम का लगा, उसको काम पे लगाया तो और काम का लगा, तो आपके अंदर एक चीज है, एक चीज क्या बोलते हैं इम्प्लीमेंट हो चुका है, उसको बोलते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड, जो खुद खुद ब खुद आ चुका है, किसी ने दिया नहीं, खुद ब खुद आ चुका है, उसको हम बोलते हैं सेल्फ मोटिवेशन। देर इज नो मोटिवेशन अदर देन सेल्फ मोटिवेशन। अगर कोई इंसान अंदर खुद से ही मोटिवेशन नहीं जागा है तो आप उसको जितना भी देंगे वो नहीं लेंगे, आप जितना भी मर्जी देंगे लेकिन वो कभी नहीं लेगा, आप देते ही जाइए, वो दिखाएगा कि वो ले रहा है लेकिन अल्टीमेटली लेने के बाद उसको फेंक देगा, जब तक उसके अंदर नहीं जगेगा, अंदर से नहीं जगे, बोलते ना दिल का आवाज, अंदर का आवाज, अंदर से फीलिंग है, आप बोलते ना काफी टाइम, अंदर से फीलिंग है, अंदर से फीलिंग है मतलब क्या है, दैट्स कॉल्ड सेल्फ इंड्यूस्ड मोटिवेशन, खुद से मोटिवेट होना। इस प्रोडक्ट के ऊपर खुद से मोटिवेट होना, मैं यूज करूं, खरीद के यूज करूं, खुद से मोटिवेट होना, मैं यूज करने के बाद हजारों को यूज करो और वो हजारों से लाखों को यूज कराओ, जब तक ये मोटिवेशन अंदर में इंड्यूस नहीं होगा वो कभी भी काम नहीं करेगा, बिकॉज दैट्स कॉल्ड सेल्फ इंड्यूस्ड मोटिवेशन। आपका जो हमारा जो ऑडियंस का हेल्थ केयर नेटवर्क प्रोडक्ट है, अगर कोई एक कस्टमर के अंदर सेल्फ इंड्यूस्ड मोटिवेशन ना हो कि ये प्रोडक्ट खा के मुझे ठीक होगा, ये प्रोडक्ट मुझे खाना चाहिए, आप उसको खिला नहीं पाएंगे, हो सकता है आपसे खरीद लेगा लेकिन खाएगा नहीं, दिल रखने के लिए खरीदेगा लेकिन अपने खुद के दिल के नहीं खाएगा, बिजनेस हुआ ही नहीं ना। 6,000-10,000 का प्रोडक्ट बेच के तो आपका एक साइकिल भी नहीं आने वाला, भी आजकल की दुनिया में अच्छा हो गाड़ी तो दूर की बात है, लेकिन अगर जिसको आपने प्रोडक्ट दिया, अगर वो प्रोडक्ट को सच में वो समझ के खाया, खाने के बाद उसने हजारों को खिलाया, तो उसके द्वारा आपको एक गाड़ी जरूर आएगा। आर यू विद मी? एक पेशेंट को आपने प्रोडक्ट बेचा 10,000 का 20,000 का, आपको जितना प्रॉफिट आता है ना, एक अच्छा हरक्यूलस का साइकिल भी नहीं आता है, एक अच्छा गियर वाला साइकिल भी नहीं आता, बाइक तो दूर की बात है, करेक्ट बोल रहा, करवा बोल रहा, लेकिन करेक्ट भी बोल रहा मुझे पता है, लेकिन जिसको आपने प्रोडक्ट दिया, अगर उसने प्रोडक्ट को सिर्फ खरीदा नहीं, प्रोडक्ट को खरीद के खाया, बार बार खाया, खाने के बाद अपना खोया हुआ हेल्थ को वापस पाया, आप उसको बोलते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड मोटिवेशन। वो मोटिवेशन को अगर आप उसके अंदर का सेल्फ इंड्यूस्ड मोटिवेशन को अगर आप जाके मेंटरशिप करते हैं, उसके अंदर ऑलरेडी मोटिवेशन है, आप दे रहे, आप कर रहे मेंटर, वो कर रहे मोटिवेशन, सेल्फ का काम आप कर रहे, मेंटर का काम, अब ये आपको वो सौ को खिलाएगा, सौ को बेचेगा नहीं, सौ को खिलाएगा, मतलब लोग खरीदेंगे और खाएंगे और सौ से लाख तक पहुंच जाएगा, अब उसके द्वारा एक गाड़ी जरूर आपको आएगा। तो सोचिए एक एक पेशेंट को एक बार प्रोडक्ट को जो सेल करके पैसा लेके एक साइकिल नहीं आता है, लेकिन उस पेशेंट को सेल्फ इंड्यूस्ड मोटिवेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट एंड दिस फॉर्मूला एंड दिस प्लेटफॉर्म अगर आ गया, तो ऑटोमेटिकली आपको उस एक लीडर के वजह से एक गाड़ी जरूर आएगा आपको लाइफ में। सो मोटिवेशन का काम तो आपने नहीं किया, मोटिवेशन उसके अंदर का काम है, उसका अंदर का काम उसको करने दीजिए, उसके अंदर घुस के मत कीजिए, कभी घुसने नहीं देगा, कभी वो अपने अंदर नहीं घुसने देगा, क्योंकि उसका अंदर का काम उसको अंदर से उसको ही करने दीजिए, आपका काम आप कीजिए। आप बोलेंगे मेरा काम क्या है सर? मेंटर। एक मेंटर ही होता है जो सेल्फ इंड्यूस्ड मोटिवेशन क्रिएट कर सकता है, बोल के नहीं कर रहा है कि मैं तुम्हें मोटिवेट करने के लिए आया, लेकिन काम ही आप ऐसा करते हो, आप उसके साथ आपका पेश आना ही ऐसा होता है, काम ही आपका ऐसा होता है, आपका टीचिंग ही ऐसा होता है, आपके साथ उसका उठना बैठना ऐसा होता है, वो खुद सेल्फ मोटिवेटेड होता है, सेल्फ इंड्यूस्ड मोटिवेशन होता है, वो सेल्फ इंड्यूस्ड मोटिवेशन ऑटोमेटिकली उसके लिए एक बहुत बड़ा काम हो जाता है। तो ये चीज याद रखिए, आदमी के अंदर इस प्रोडक्ट को लेके, हमारा इस हेल्थ केयर नेटवर्क प्लेटफॉर्म को लेके दो चीज का भरोसा, दो चीज का क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ये बिल्कुल हो सकता है और ये काम बिल्कुल मैं कर सकता हूँ, तो अल्टीमेटली सक्सेस होगा ही होगा, कहीं भी नहीं जाएगा। तो मेरा आज इतना ही बोलना था, राइट? I had to tell this much only because काफी लोग सोचते हैं सर इस प्रोडक्ट को क्यों आगे, इस प्रोडक्ट को कैसे आगे लेके जाएं, तो मैं सबसे पहले ये बोलूंगा प्रोडक्ट को आगे लेके कैसे जाएं, बस यही समझिए प्रोडक्ट को लोग क्यों लेंगे, प्रोडक्ट को किस लिए लोग लेंगे, किस लिए लेना चाहिए लोग प्रोडक्ट। अगर ये चीज हजारों लाखों तक पहुंच गया तो प्रोडक्ट भी हजारों लाखों तक पहुंच गया। अब हजारों लाखों तक ये प्रोडक्ट क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, कैसे पहुंचेगा,
अगर आपके टीम में, आपके जेनोलॉजी में, आपका आपका जो ऑडियंस फैमिली में, खुद का आपका जो ऑडियंस फैमिली में हजारों लोग ज्ञानी बन गए हेल्थ केयर के बारे में, ज्ञानी बन गए हेल्थ केयर प्रोमोशन के बारे में, ज्ञानी बन गए हेल्थ केयर इस प्रोडक्ट के बारे में, तो ये हजार लोग तो लाखों तक ये हेल्थ केयर का कॉन्सेप्ट पहुंचा दे रहे हैं ना। ये हजार आपके टीम के लोग, ये लाखों तक तो, कई लाखों तक तो ये हेल्थ केयर का चीज पहुंचा दे रहे हैं, तो कई लाखों तक हेल्थ केयर पहुंच रहा है, इसका मतलब आपका हेल्थ प्रोडक्ट भी पहुंच रहा है, इसका मतलब आपको बीवी मिल रहा है और बीवी से गाली भी नहीं मिल रहा है, स्माइली मिल रहा है, प्यार ही मिल रहा है, क्योंकि बीवी आ रहा है तो बीवी बीवी से भी प्यार आ रहा है, बीवी नहीं आ रहा है बस बीवी से गाली मिलने वाला है, गाली आ रहा है, करेक्ट नहीं, बीवी और बीवी क्योंकि यार इनकम नहीं है, इनकम तो आएगा नहीं, तो सेल्स नहीं हो रहा है, बिजनेस नहीं हो रहा, इनकम कहाँ से आएगा। सो हम हमेशा सोचते हैं हमें बहुत सारा बीवी चाहिए, बहुत सारा बीवी नहीं, यार वो वाइफ ने बोल रहा, बीवी ने बोल रहा, मतलब बहुत सारे बीवी चाहिए, आप बोल रहे सर बोल रहे बहुत सारे बीवी चाहिए, अभी आदमी 10-20 शादी करना शुरू करो, नहीं बोल रहा, बहुत सारे बीवी, बी मतलब बिजनेस वॉल्यूम चाहिए, बहुत सारा आपको बीवी चाहिए, तो बहुत सारा बीवी के लिए बहुत सारा प्रोडक्ट बहुत सारे लोगों तक पहुंचना चाहिए, बहुत सारा प्रोडक्ट बहुत सारे लोगों तक आप अकेला नहीं पहुंचा सकते, जब बहुत सारे लोगों तक, बहुत सारे आपके टीम प्रोडक्ट को पहुंचाने के लायक बनते तो वो प्रोडक्ट पहुंचता है, वो प्रोडक्ट खरीदते हैं लोग, उसको यूज करते हैं, आपको बड़ा बिजनेस वॉल्यूम आता है, आपको बड़ा इनकम आता है। अभी आप बोलेंगे सर मेरे बहुत सारे लोग उस प्रोडक्ट को कैसे पहुंचा पाएंगे बहुत सारे लोगों तक, अगर उनके बहुत सारे ज्ञान आ गया, अगर आपके बहुत सारे टीम में बहुत सारा सही ज्ञान आ गया तो बहुत सारे लोगों को जाके सही ज्ञान देंगे, ऑटोमेटिकली सही प्रोडक्ट उन तक पहुंच जाएगा, डन, दिस इज द बिजनेस, ऐसे काम हो जाएगा, ये प्रोडक्ट पहुंच जाएगा हजारों लाखों तक, आपको भी लाखों में इनकम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच आप सबके कीमती टाइम के लिए, एंड डेफिनेटली आज का जो भी मेरे तरफ से बोलना था बोल, इससे ज्यादा बोलूंगा टेंजेंट जाना शुरू करेगा, आई थिंक इट्स एब्जॉर्बिंग, है ना, ये एक एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इसके ऊपर बोलेंगे तो एब्जॉर्प्शन ही होगा, फिर ऑटोमेटिकली टेंजेंट्स हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच, मैं ऑटोमेटिकली कुछ लोगों को शेयरिंग में लाना चाहता हूँ, टुडे वी हैव अ लॉट ऑफ ग्रेट लीडर्स विद अस एंड हमारे कुछ सीनियर लीडर्स भी हैं, सो एक्चुअली आई वॉन्ट टू being one of our leaders here on the screen, मैं किसी को लाना चाहता हूँ एंड जरूर उनसे कुछ व्यूज लेना चाहेंगे, फीडबैक लेना चाहेंगे, शेयरिंग लेना चाहेंगे, एंड बिकॉज आप सबका जो शेयरिंग है वो कीमती क्यों है, बिकॉज मुझे भी एक चीज समझ में आना है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो दो चीज होना है आपको समझ में आ रहा है और आपको सच लग रहा है, बिकॉज अगर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो क्या होगा, आप किसी को समझा नहीं पाएंगे, आपको समझ आ रहा है ना तभी आप किसी को समझा पाएंगे, जब तक आपको नहीं समझ में आ रहा है किसको कैसे जाके समझाएंगे, दैट्स व्हाई फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड, देन ओनली यू कैन मेक पीपल अंडरस्टैंड, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट्स द कॉम्बिनेशन, और दूल्हा और दुल्हन कॉम्बिनेशन। तो मैं हमारे कोई सीनियर लीडर को स्क्रीन में लाना चाहूंगा एंड रियली मैं उनसे भी हम लोग सुनना चाहेंगे अबाउट व्हाट आवर फीडबैक्स एवरीथिंग। मैं रॉयल डायमंड राय सर को स्क्रीन में लाना चाहूंगा and definitely Royal Diamond Rai sir से भी हम कुछ feedbacks and views सुनना चाहेंगे कि how does sir feel and the team feel, definitely sir आप screen में हैं, Royal sir। Okay, thank you very much Dr. sir, so thank you, आपने मुझे कुछ शब्द रखने के लिए बुलाया, so मैं आवरी हूँ आपसे, so आपसे इतना बढ़िया अभी हम health के विषय में इतना जान पा रहा हूँ और हेल्थ नहीं लीडरशिप के बारे में भी इतना आप बढ़िया दे रहे हो, तो बहुत अच्छा लगता है इंटायर जितना भी हम लोग का रोल डाउन ग्लोबल टीम एंड सिस्टम, जो आपको एक जोरदार तालियां बनता है जितना भी, सो जितना भी लोग अभी सुन पा रहा है आपसे बहुत खुश हो रहे हैं। सो सभी लोग को मैं रोल डायमन की तरफ से जितना भी पार्टिसिपेट अभी यहाँ पे है आप लोगों का ढेर सारा धन्यवाद, और जो डॉक्टर साहब ने जितना भी बताया आप लोगों को भी अच्छा ही लगा होगा, है ना, मेरा थोड़ा थोड़ा हिंदी में प्रॉब्लम है आप समझ सकते हो क्योंकि जो आई थिंक आप लोग इतना तो समझ सकता है, मिलाकर समझना चाहिए, ओके बिल्कुल समझ रहे हैं, सो क्योंकि पहले तो बहुत बार बातचीत हुआ था लेकिन अभी क्या है मैं नेपाल में चला गया तो बहुत साल हो गया ये हिंदी में बात करने में जो बहुत प्रॉब्लम होता है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ सो
आप लोग हेल्प करेंगे मुझे, बहुत ऐसा विश्वास है। सो अभी कुछ मैसेज बोलना चाहता हूँ कि ओरियंस के बारे में। ओरियंस एक बहुत बढ़िया मल्टीनेशनल कंपनी, आप लोग जानते हैं, लेकिन इससे क्या है, ये वेलनेस इंडस्ट्री है ना, जो वेलनेस इंडस्ट्री आज का दिन में इतना बढ़िया इंडस्ट्री बनने जा रहा है। अभी 21st century का एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, तो इसमें भी बहुत सारा कंपनी है, लेकिन जो ओरियंस का जो प्रोडक्ट है बहुत बढ़िया फॉर्मुलेट किया हुआ है। सो ये इन फ्यूचर में बहुत नंबर वन कंपनी बनने का जो मिशन विजन अभी डायरेक्टर साहब और मैनेजमेंट से लिया हुआ है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक इंडियन कंपनी होकर भी इतना वर्ल्ड में नंबर वन सोचने का हिम्मत कर रहा है ये डायरेक्टर लोग, बहुत बढ़िया है। क्योंकि ऐसा सोच कभी किसी से नहीं आता है, तो मैं जरूर इस डायरेक्टर का जो सोच है उसमें बहुत सहमत हूँ, और आप लोग भी सहमत हो गए, क्योंकि हम लोग का भी एक थोड़ा थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, जो सोच रखा हुआ है कंपनी का, जो हम क्या कर सकता है, जितना कर सकता है हम करना है, और ये जो कंपनी का जो एक मिशन है उसको एक वर्ल्ड में, दुनिया में इसको एक नंबर वन बनाने के लिए हम लोग का भी एक छोटा छोटा ईटा का काम करना है हम लोग, ठीक है। जितना कर सकते हैं हम वो करना पड़ेगा, कि इतना बढ़िया ट्रेनिंग एजुकेशन अभी डॉक्टर साहब भी दे रहे हैं, तो हम लोग इस ट्रेनिंग से बहुत बढ़िया और बहुत ज्ञान नॉलेज हम लोग आ रहा है, तो हम कुछ कर सकता है, क्यों नहीं कर सकते हैं, कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन आप में वो जो बिलीफ सिस्टम होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, एक विश्वास जो होता है वो बिलीफ सिस्टम होता है, वो एक 100% होना है, कर सकते हैं आप, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, आज दुनिया कर सकता है। आज मुकेश अंबानी वो इतना करके अब टॉप 10 में बिलियनियर्स में आ चुका है, तो अभी वही जगह पे, वही जगह से बिलोंग करता है, तो आप भी कर सकते हैं ना, आज वर्ल्ड में वो टॉप 10 में पहुंच गया, तो आप क्यों कर नहीं सकता, कर सकते हो, लेकिन आपका जो थॉट प्रोसेस है ना उसको मजबूत करना है। एक इतना बढ़िया सा प्लेटफॉर्म दे रहा है ओरियंस, जो ग्लोबल नंबर वन बनने जा रहा है, तो अब भी ग्लोबल नंबर वन ऑनर बन सकता है, एक स्वास्थ्य के दुनिया में भी नंबर वन बन सकते हैं, साथ ही साथ आप एक इनकम के जो हिसाब से भी इतना बढ़िया प्लानिंग हो रहा है, तो अभी डिजिटल में चला गया है, तो डिजिटल इतना बढ़िया काम कर रहा है, हम लोग भी सभी डिजिटलाइज होना चाहिए। सो आज का जितना भी आगे का दिन है, ये सब आप देख रहे हैं, जो अभी कोविड का जो 19 का चल रहा है इशू, इस ऐसा बढ़िया बढ़िया एक प्रॉब्लम आएगा, तो उसमें से भी फाइट कर सकता है हम लोग का सप्लीमेंट, क्योंकि सबसे बढ़िया तो हम लोग का वही होता है जो इम्यून बूस्ट है ना, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करेंगे तो हम लोग ऐसा वायरस और जितना भी फ्लू आ सकता है उसको फाइट कर सकता है। तो कंपनी इतना बढ़िया प्रोडक्ट बना रहा है, जो इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम, जो आयुर्वेदा सिद्ध यूनानी को एक इंटरनेशनल मार्केट में वो लाने का बात कर रहा है, तो हम लोग एक गर्व से उसको साथ देना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी बिलोंग करता है आयुर्वेद सिद्ध और यूनानी से, क्योंकि हम लोग का पहले से पुस्तक पहले से ही हम लोग का वो बिलोंग कर रहा है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि एक कंपनी बढ़िया मिशन विजन के साथ चल रहा है, तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने इतना सब कुछ छोड़ के अभी ओरियंस को साथ दे रहा है, वो सबसे बढ़िया है सब सर, डॉक्टर साहब को इतना नॉलेज को छोड़कर अभी ओरियंस को दे रहा है, तो उसके हिसाब से तो हम लोग कुछ नहीं है ना, डॉक्टर साहब के हिसाब से तो हम लोग कुछ नहीं है, फिर भी वो समझ पाया कि डॉक्टर साहब इतना बढ़िया वो मिशन में साथ दे रहा है, तो हम क्यों नहीं देंगे, ये सोचना चाहिए, बढ़िया सोचना चाहिए। तो मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ डॉक्टर साहब, इतना बढ़िया बढ़िया नॉलेज दे रहा है हम लोग को, क्योंकि वो साथ दे रहा है कि नंबर वन होने में, तो इतना बढ़िया नॉलेज उसके पास से हम लोग ले रहे हैं, तो हम भी साथ देना चाहे, आगे बढ़ना चाहे, एक दिन दुनिया में नंबर वन कंपनी बन सकता है, इसके लिए हम लोग हाथ में हाथ मिलाकर आगे चलना है। यही बोल के जितना भी इंटायर टीम, जितना भी
मेरा अपना टीम और सभी ऑरेंज फैमिली का टीम हम एक ही है, हम सब एक मिलकर हाथ में हाथ कंधा में कंधा मिलाकर हम लोग चलना है और इस दौरान में हम नंबर वन बनना है, बनना है, बनना है। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। सो आगे चलिए, मत रुकना। थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच रॉयल सर, वेरी ग्रेट प्लेजर टू हैव यू हियर एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वेरी ग्रेट मोटिवेटिंग स्पीच। मेरे पास भी बहुत समय नहीं, मैं ज्यादा लोगों को शेयरिंग में तो नहीं ला पाऊंगा, मुझे पीछे से मैसेज आ रहा है, मुझे 10 मिनट में आई हैव टू क्लोज दिस मीटिंग, इसलिए कुछ लोगों को मैं लाना चाहूंगा स्क्रीन पे। बहुत लोग आते हैं ऑफकोर्स स्क्रीन पे, बट कुछ एक दो को मैं ला पाऊंगा। मेरे को सीरियसली आज हमारे पास टाइमिंग बहुत शॉर्ट है, ठीक 1:05 में वी हैव टू क्लोज, मतलब 1 बजे आई हैव टू क्लोज बिकॉज 1:10 से कुछ और यहाँ पे एक्टिविटीज होने वाले बोल के। चलिए मैं आज कुछ लोगों को ये चांस देता हूँ। एंड कृष्णा थापा जी धरन, और मैं ये इंस्ट्रक्ट कर दू सबको, आप लोग कोई भी लैंग्वेज में बोल सकते हैं। मैं क्या क्या लैंग्वेज समझता हूँ आपको बोलता हूँ, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, नेपाली, गुजराती, पंजाबी, रशियन, जर्मन, स्पेनिश, आप इसमें से कोई भी लैंग्वेज बोल सकते हैं, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं सर। हाँ यस, थैंक यू सर, थैंक यू सर। हिंदी में बोलूंगा, माय नेम इज कृष्णा थापा फ्रॉम धरन, मैं एक इंडियन आर्मी रिटायर आर्मी हूँ, हिंदी थोड़ा थोड़ा समझता हूँ, बोलता भी हूँ। मेरे को बहुत खुशी है इस ऑडियंस में आके ये काम करने के लिए, हमारा डायरेक्टर लोगों का जो भी सोच है मैं बहुत गर्व के साथ मैं काम कर रहा हूँ, खुशी हूँ। ये प्लेटफॉर्म नेटवर्क मार्केटिंग में आके मैं जो भी मेरा बड़ा बड़ा सपना देखा हूँ वो पूरा कर सकता हूँ। अभी डॉक्टर साहब आपका ये जो भी मोटिवेशन वो डायरेक्शन को लेके मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। अभी मैं सीख रहा हूँ, अभी जस्ट 5 डायमंड हूँ मैं, अभी 2019 के 5 दिसंबर में ज्वाइनिंग हुआ, तो अभी 6 महीने से ज्यादा नहीं हो रहा है, अभी बढ़ रहा है, अभी लॉकडाउन के वजह से थोड़ा काम रुका है। अभी थाईलैंड का टूर अचीव किया हूँ मैं, और सपना बड़ा बड़ा सपना देखा हूँ, यूरोप का टूर भी जीतने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ऑरेंज के थ्रू मैं बहुत सारे को ये प्रोडक्ट देके उनको भी हेल्थ से ठीक करने का कोशिश में जा रहा हूँ। अभी डॉक्टर नहीं हूँ, डॉक्टर बनने का कोशिश कर रहा हूँ, फिर ऑरेंज का प्रोडक्ट लेके सप्लीमेंट से जो मेरे को ऊपर भी बहुत अच्छा काम किया है, जितना भी मेरा फैमिली भी कर रही है ये जो भी प्रोडक्ट, ये बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, बहुत खुश हूँ। जितना भी मेरे को देख रहे समझ पा रहे बहुत खुशी है, हम यहाँ से हम बहुत आगे भी बड़ा बड़ा सपने देखा हूँ। फोर व्हीलर, वो नॉर्मल फोर व्हीलर नहीं है, BMW, मर्सिडीज, ऐसे ऐसे हम कर सकते हैं। यहाँ से मैं 24 इयर्स करके आया हूँ, यहाँ से मैं 5 साल में 10 साल में बहुत बड़ा करके दिखाऊंगा मैं पक्का, 100% जोश है, जुनून है, साथ है, साथ साथ में लेके जाके जो भी है, हमारा मेंटर है रॉयल डायमंड सर, और मेरा जो भी ये सिस्टम मिला है वहाँ पूर्ण बुर्जा सर, और मेरा ग्रेट मेंटर है रॉयल डायमंड सविता मैम और सोम कुमार लिंबू सर, बहुत सारे मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और सारे जो मेरा रॉयल डायमंड टीम का जो सीनियर मेंटर है उन सारे को मैं बहुत नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। उनके वजह से मैं आगे जा रहा हूँ, सीख पा रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ, कर रहा हूँ कुछ, बहुत जोश सुनने में एक दिन बड़ा करके ही दिखाऊंगा, मेरा बहुत बहुत बड़ा सपना है। साथ में भी मेरा टीम है, जितना भी उनको भी लेके जाऊंगा, यही बोल के मेरा छोटा सा यही समाप्त करना चाहता हूँ। थैंक यू सर। आपने साइड से म्यूट कर ले प्लीज, देखिए आपको म्यूट बटन दबा दीजिए। सो थैंक यू सो मच माई डियर फ्रेंड्स, मैं आपको जैसे इसलिए हम लोग अलग अलग टाइप के टेक्निक सोच रहे, क्योंकि होता क्या है अगर हम लोग समय के साथ साथ अपने आप को क्या बोलते हैं, सिर्फ बदलना नहीं, समय के साथ साथ अपने आप को आगे बढ़ाना, मतलब अपने सोच को, टेक्निक्स को, इनोवेशन को आगे नहीं बढ़ाते ना, तो हम क्या हो जाएंगे, मार्केट बढ़ रहा है इस स्पीड में, हम बढ़ रहे हैं इस स्पीड में, मार्केट बढ़ रहा है घोड़े के स्पीड में, या मार्केट को चाहिए भी घोड़े के स्पीड में भागना और हम भाग रहे गधे जैसा, तो हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। सो एवरी टाइम क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द टाइमिंग, वी हैव टू गेट आइडियाज। कुछ लोग क्या करते हैं, मैं आपको सच बोलता हूँ, लेकिन हमने ऑडियंस में क्या किया और बाहर सेक्टर्स में लोगों ने क्या किया, दूसरे सेक्टर्स में, जब कोरोना लॉकडाउन आया, लॉकडाउन हुआ, इकोनॉमी पूरा क्रैश है ना, इकोनॉमी पूरा स्टॉप, हर जगह मतलब ट्रैफिक जैम लग गया, इकोनॉमी का क्या हो गया, ट्रैफिक जैम लग गया, मार्केट को क्या हो गया, ट्रैफिक जैम लग गया। तब सब लोग ये सोचने लगे अब क्या होगा, क्या सोचने लगे, अब क्या होगा, ऐसा करके अब क्या होगा, लेकिन हम क्या सोचे, अब क्या करेंगे,
लोग क्या सोचते, अब क्या होगा बोल के उदास होकर बैठ जाएंगे। अब हम लोगों ने क्या सोचा, अब क्या करना होगा। Are you with me? आया कुछ समझ में डिफरेंस? जब पूरा सेक्टर्स, मार्केट का ट्रैफिक जाम, इकोनॉमी का ट्रैफिक जाम से लोगों ने ये सोचा अब क्या होगा, हम लोगों ने क्या सोचा, हम लोगों ने क्या किया, अब क्या करना होगा। हम लोगों ने सोचा अब क्या करना होगा, और सोचा और सोचा, समझा अब ये करना होगा, उसके बाद ये किया, डन, रिजल्ट्स हम सबके सामने है। नॉर्थ ईस्ट एंड नेपाल में वी बिकम द टॉप परफॉर्मर कंपनी इन लास्ट 10 क्लोजिंग्स, 10 वीक्स। क्योंकि जब सबने ये, सबने, सबके लिए ये हाल था अब क्या होगा बोल के, ऐसा हमने उस टाइम ये सोचा, अब जो होगा वो तो हो चुका है, जो होना है वो तो हो चुका है, हमें क्या करना होगा, हमने ये सोचा, करना होगा के बाद हमने उसको किया होगा, आपके सामने रिजल्ट्स आया होगा और भी आने वाला है। दिस इज एक्चुअली ना एक फिलोसॉफी ऑफ लाइफ है, स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग में। दैट्स व्हाई देखिए हम लोगों ने एक जो चैनल है, we have our own, we have made a channel, this particularly is for the healthcare network channel, particularly this is in the telegram app, aap jante hain aap logo ke paas, bahut logo ke paas telegram app download hoga, and there is my channel, you can come and join my channel, that is particularly for the healthcare disease knowledge, medicines about supplements, uske upar ek channel hai, aur main aapko ye bheja hai ये टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करने का लिंक, आप में से बहुत लोगों के पास टेलीग्राम ऐप होगा, नहीं होगा तो यू कैन जस्ट डाउनलोड, 50-60 एमबी का फाइल है। आफ्टर डाउनलोडिंग टेलीग्राम ऐप यू कैन जस्ट प्रेस दिस लिंक इन योर मैसेंजर, जो आपको अभी जो लिंक मिला ये मेरे चैनल, हमारे चैनल का लिंक है। आपको बता दूं इस चैनल का खासियत क्या है, फॉर व्हाई दिस चैनल इज देयर। एक्चुअली होता क्या है कि काफी टाइम बहुत लोगों को जब हम आप डायरेक्टली नेटवर्क बोलते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, नेटवर्क नहीं करते, आते जुड़ते नहीं। बहुत लोगों को आप जूम मीटिंग में बुला रहे हो, आ नहीं रहे क्योंकि सोच रहे नेटवर्क मार्केटिंग है, नहीं, ये चैनल को एक आप बोल सकते हैं ये हमारा एक इनोवेशन है, और ये इनोवेशन मार्केट को रिनोवेशन कर देगा। इनोवेशन क्या है, यहाँ पे हम लोग कोई नेटवर्क मार्केटिंग का कोई भी वीडियोस नहीं होने, माने यहाँ पे कोई डायरेक्टली ना, यहाँ पे सिर्फ जो लोग ज्वाइन करेंगे उनको ही मिलेगा। पहले मैं बोलता हूँ यू डाउनलोड द टेलीग्राम ऐप, ऐप डाउनलोड करने के बाद जो मेरा जो लिंक है उस लिंक को अपने मैसेंजर में दबाए, टेलीग्राम मैसेंजर में, यू विल गो टू माय पेज। वंस यू गो टू माय पेज देयर इज अ जॉइन बटन, याद करके अगर वो जॉइन बटन नहीं दबाते तो आप सब्सक्राइब नहीं है, वीडियो नहीं देख सकते। हमने इसको पब्लिक चैनल करके नहीं रखा है, इसमें वीडियोस आज शाम 6 या 7 बजे रिलीज होगा, फर्स्ट वीडियो, फर्स्ट ट्रेनिंग, बुलेट ट्रेनिंग, लंबा चौड़ा नहीं, 10-12 मिनट का होगा, एंड ओनली सिर्फ जो लोग ज्वाइंट हो गए वो लोग वीडियो देख सकते हैं। हमने पब्लिक के मस्ती मजाक के नहीं रखा, बिकॉज ओनली वन पीपल हु नीड इट, people who require it, people who admire it, people who respect it, they will only have it, because it's for the way, it's a very serious, bahut dimag laga ke kitna technology laga ke usko humne kiya hai, tab jaake wo reality mein parivartan hua hai, ek hafte se pade hue hai uske piche, graphic designing technology ye wo karne ke baad aaya, to aap you will see the first video today, it will be on female infertility, particularly female infertility because of lockdown। तो ये चैनल में जो मेरे वीडियोस होंगे, आप टॉपिक्स क्या होगा आप सुन लीजिए, टॉपिक्स को आप अंडरस्टैंड कीजिए अच्छे से। काफी टाइम ऐसा होता है कि आप किसी को डायरेक्टली फोन करके बोलते हो ना, जूम मीटिंग है, आईडी पासवर्ड अननोन, मैं अननोन लोगों को बोल रहा हूँ, हु इज नॉट अननोन मींस नॉन जॉइन मेंबर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर नॉट जॉइन इन द ऑडियंस। तो लोग क्या होते हैं, एक तो प्रोडक्ट्स को लोग नेगेटिव हो जाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग सुन के नेगेटिव हो जाते हैं, तो लोग क्या बोलते हैं, नेटवर्क है, ओ ये जूम मीटिंग, अच्छा आऊंगा, आते नहीं है, या तो टाइम नहीं होता है उनके पास, या तो आते नहीं है। यहाँ पे ये जो आपके पास वीडियोस होंगे, ये वीडियोस आप ना, यहाँ पे हम लोग कोई प्रोडक्ट का डायरेक्टली बात कर रहे हैं, ना यहाँ पे कोई प्लान का बात करेंगे, मतलब ना मैं कोई प्रोडक्ट का नाम लेके बोलूंगा, ना कोई प्लान का नाम लेके बोलूंगा, मैं पर्टिकुलरली कुछ कुछ डिजीजेस के ऊपर कुछ कुछ बुलेट सिम्टोमेटिक पॉइंट्स बोलूंगा। लेकिन अगर आपके द्वारा 100 लोगों तक ये वीडियो पहुंचा, एक एक इंसान के द्वारा 100 लोगों तक वीडियो पहुंचे, दे सब्सक्राइब एंड दे सॉ दिस वीडियो, वो 10 मिनट का वीडियो अगर वो 2 बार देखे और सुने, वो सोच में पड़ जाएगा, मेरे बॉडी में तो ये हो रहा है, या तो मेरे घर वाले का हो रहा है, या तो मेरे बाजू वाले का हो रहा है, मेरे साथ तो एग्जैक्टली ये हुआ है, मैं भी 10 साल इलाज किया हूँ, मेरा तो ठीक नहीं हुआ है, मेरा यही सिम्टम्स चल रहे हैं, इसका मतलब मेरा लीवर ही गड़बड़ है। जब इस वीडियोज का मेन, इस वीडियोज का जो आप बोल सकते हैं, ये वीडियोज मेनली फोकस्ड ऑन प्रॉब्लम्स के ऊपर है, और जब लोग प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे एट देयर एनी कन्वीनियंट टाइम, ये ट्रेनिंग नहीं, मैं फिर से बोलो, वहां पे 1.5 घंटे का ट्रेनिंग नहीं, बुलेट वीडियोस होंगे,
वो वीडियोस को लव जब एक आदमी बैठ के एक दो बार सुनेगा देखेगा जब मर्जी तब चाहे, लेकिन अगर सब्सक्राइब है तो होगा क्या दोस्तों, दैट पर्टिकुलर पर्सन अब उसको समझ में आ जाएगा मुझे तो ये प्रॉब्लम है, मुझे तो काफी साल से सच में ये प्रॉब्लम है, मुझे काफी साल से यही चक्कर मेरा शरीर में चल रहा है, मेरा यही इश्यूज चल रहा है, मेडिसिन खा के तो मेरा ठीक नहीं हुआ है, आई हैव दिस 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 यस राइट। जैसे आज का जो वीडियो होने वाला है पर्टिकुलरली लॉकडाउन के टाइम, जो लॉकडाउन हुआ लॉकडाउन के टाइम आज का वीडियो जब फर्स्ट वीडियो दैट्स व्हाई इज टेकिंग सम टाइम फॉर अस टू यू नो पुट इट आउट, वीडियो रेडी है बट उसको ग्राफिक्स मिलाने में जस्ट टाइम लग गया। आज का जो वीडियो वो पर्टिकुलरली के टॉपिक में हो आप सुन लीजिए ताकि व्हेन यू हियर इट यू विल नो इट वेरी इजीली। लॉकडाउन जो 70-80 दिन जो लॉकडाउन फेज चला या चल रहा है इसके वजह से बहुत सारे फीमेल्स को लेडीज को क्यों पीरियड्स में प्रॉब्लम आए, क्यों रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम आए, क्यों उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्यों प्रॉब्लम शुरू हुआ, पीरियड्स प्रॉब्लम क्यों शुरू हुआ, उसके ऊपर ये वीडियो है। अगर ये 10,000 फीमेल्स ने ये देखा और 10,000 मेल्स ने भी देखा जिनके घर में माँ है बहन है बीवी है, इट मींस इफ 10,000 पीपल आर गोइंग टू वॉच दिस वीडियो जो ऑडियंस से है भी नहीं, जिसको ऑडियंस का नाम भी पता नहीं है, ऑडियंस में मे बी नेटवर्क में आना भी नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने ये देख लिया ऑटोमेटिक उसका दिमाग का बत्ती जलेगा, मेरे साथ तो यही हुआ है, मेरे साथ तो सच में ही हुआ है, कारण भी दिया जा रहा है इसलिए हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस ऑल द वीडियोस आर गोइंग टू बी प्रॉब्लम बेस्ड, प्रॉब्लम फोकस बेस्ड, हेल्थ प्रॉब्लम्स सिम्टोमेटिक बेस्ड। तो जब हजारों लोगों को ये वीडियोस दिखाई देगा जहां पे ना ऑडियंस बोला जा रहा है, ना कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट या प्रमोट या मार्केटिंग किया जा रहा है, बट पर्टिकुलरली प्रॉब्लम का मार्केटिंग किया जा रहा है, सिंपल आप सोचिए हेल्थ प्रॉब्लम्स का मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट या प्रोमोटिंग का ये एक चैनल है। जब वो वीडियोस लोग 10,000 लोग देखेंगे तो 10,000 लोगों का दिमाग तो बत्ती जलेगा ना, किसी को लीवर है, किसी को किडनी है, किसी को हार्ट है, किसी को इंटेस्टाइन है, किसी को पीरियड्स है, किसी को सेक्सुअल है, किसी को स्किन है, किसी को दिमाग है, दिमाग प्रॉब्लम है। इट मींस पीपल आर गोइंग टू रिपीटेडली वॉच इट एनी कन्वीनियंट टाइम। वो मैं फिर से बोलो ट्रेनिंग नहीं है, वो ट्रेलर है। वन मोर टाइम, वो ट्रेनिंग नहीं है, वो ट्रेलर है। बट वो ट्रेलर को जब रिपीटेडली वॉच करते हैं, आप जब YouTube में एक मूवी का ट्रेलर को 2-3 बार वॉच करते हैं तो आपका इंटरेस्ट, और आपको अगर ट्रेलर अच्छा लगे, बढ़िया ट्रेलर है, तो आपको रिपीटेडली उस ट्रेलर को वॉच करने से आपका इंटरेस्ट रिपीटेडली बढ़ता है, आप जाके फाइनली मूवी को देखते हो, है ना, टिकट बना के मूवी को देखते हो, am I right? क्या ये बात सच है? इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, अगर ऐसे ही हेल्थ प्रॉब्लम्स का ट्रेलर या हेल्थ केयर का ट्रेलर हजारों आदमी तक आपने पहुंचाया जो ऑडियंस से है भी नहीं, ऑडियंस जानता भी नहीं है, वो लोग इसको बार बार रिपीटेडली ट्रेलर को देख रहे, तो रियली कोई मूवी भी बहुत बढ़िया होगा उसमें इंटरेस्टेड हो जाएंगे। अब मूवी क्या होगा, अगर सपोज आप एक लेडी, आप सोचे आप एक मैडम है जो ऑडियंस से नहीं, आप जानते भी नहीं ऑडियंस, बट आपके पास वो वीडियो है, आपके दोस्त ने आपको बोला इसमें सब्सक्राइब करो, घुसा और आप उस वीडियो को देख ले एक बार दो बार तीन, हस्बैंड देख रहा, आप देख रहे, आपके घर वाले देख रहे, एंड उसमें रियली जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का टॉपिक है वो आपको ये प्रॉब्लम है, आपको ये प्रॉब्लम है, या आपके बहन को है, या आपके बेटी को है, या आपके माँ को है, या आपके कोई दोस्त को है, कोई लेडीज को, इसका मतलब वो वीडियो आप तक पहुंचा, सिर्फ आप तक नहीं पहुंचा, वो वीडियो 10 तक पहुंच चुका है। अब वो वीडियो इज फोकसिंग ऑन द फीमेल प्रॉब्लम्स, 10 फीमेल्स देख रहे हो, 10 आदमी भी देख रहे हैं जिनके घर में माँ बेटी बीवी है बहन है, इट मींस अब नाउ दैट वीडियो इज फोकसिंग ऑन ए प्रॉब्लम व्हिच इज बिकम नाउ अ मास इंफॉर्मेशन। आप एक लेडी है, खुद सोचिएगा, आप एक लेडी है या तो जिसको वो प्रॉब्लम है या जिसके आसपास वो प्रॉब्लम है, तो आप जब वो प्रॉब्लम को रियलाइज करेंगे यस यही मेरे साथ हो रहा है और इसी कारण से हो रहा है, हाँ ये वीडियो में समझ में आ गया जो सर ने बोला रियली में है, अब आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन ढूंढेंगे, am I right? आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन ढूंढेंगे, सॉल्यूशन के लिए पूछेंगे, किसको पूछेंगे सॉल्यूशन के लिए बताइए, तो किसको पूछेंगे, जिसने आपको ज्वाइन कराया उस चैनल में, जिसने आपको वीडियो भेजा, जिसने आपको लिंक दिया, आप उसको पूछेंगे, और वो कौन होंगे, आप लीडर्स होंगे जिसको लोग पूछेंगे सॉल्यूशन के लिए, सॉल्यूशन के लिए पूछेंगे तो क्या सॉल्यूशन देंगे, ऑडियंस प्रोडक्ट देंगे, आ गया ना आपका प्रोडक्ट सेल्स बहुत बड़ा लेवल में। इसका मतलब मैंने आपको बोला था इनोवेशन यहाँ से दिमाग से निकल कि प्रोडक्ट कुछ नहीं कर रहे, काम ही कुछ ऐसा कर रहे कि लोग प्रोडक्ट पुल कर रहे, हुआ ना प्रोडक्ट पुलिंग, आपने नहीं किया प्रोडक्ट पुशिंग, मार्केट ने किया प्रोडक्ट पुलिंग, योर बिजनेस इज डन। अब आपको बड़ा बीवी चाहिए और खुशी खुशी वाला बीवी भी चाहिए, दोनों हो जाएगा, आर यू गेटिंग मी, आपको बड़ा बीवी चाहिए और बड़े दिल वाली खुश वाली बीवी भी चाहिए, दोनों हो जाएगा, कोई इनकम आना शुरू हो जाएगा, जहाँ पे पूरा मार्केट ये में ये होके प्रॉब्लम आ जाएगा, सेल्स कहाँ से लाओ, इनकम कहाँ से लाओ, तब लोग जब ये लोग सोचने लगे सेल्स कहाँ से लाओ, इनकम कहाँ से लाओ, तब लोग जहाँ पे लोगों को ढूंढ रहे हैं लोग और मिल नहीं रहे, लेकिन वहां पे लोग आपको ढूंढ रहे हैं ताकि उनको सॉल्यूशन मिल जाए।
बाकी कोई भी इंडस्ट्री सेक्टर और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में एक लीडर लोग ढूंढ रहे हैं ताकि लोग मिल जाए, लेकिन यहाँ पे लोग लीडर्स को ढूंढ देंगे ताकि सॉल्यूशन मिल जाए। मतलब आपको मैंने क्या बोला था, आपको क्या बनना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग लीडर। प्रॉब्लम सॉल्विंग लीडर के लिए क्या बनना है, प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग लीडर, PUL। प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं और उस प्रॉब्लम को लोगों तक पहुंचा देते, उनको अंडरस्टैंड कराते। सॉल्यूशन ढूंढने के पास तो आपके लिए आपके पास ही आएगा। आपको ही तो एक फीमेल पूछेगा ना, चाहे आप उसके दोस्त हो, उसके जान पहचान वालों, आपको ही पूछेगा ना, अरे मेरा तो ये प्रॉब्लम है यार, कुछ है आपके पास, कैसे इससे मैं छुटकारा लूं यार, इतने साल दवाई भी लिया, हाँ 2-3 महीने से ये सब शुरू हुआ है, तो इसके लिए क्या करूं, क्या करूं। हाँ तो तुम्हारे पास कुछ है, तुम्हारे पास कुछ उपाय यार, कुछ है तो बताओ ना। हाँ है हमारे पास ऐसा एक चीज है, आप नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं बोल रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट है, आपने ऐसे उसको समझा के दे दिया, उसने प्रोडक्ट खाया, उसने प्रोडक्ट कहीं से भी खरीद लिया, आपके थ्रू आपके जेनोलॉजी में वो आ गया, कहीं से प्रोडक्ट खरीद लिया, खा लिया, खा के उसको अच्छा हो गया, बनेगा ना आपका लीडर। इसको बोलते हैं कस्टमर को सेल्स नहीं करना, कस्टमर को क्रिएट करना। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आज तक आपका बड़ा बिजनेस नहीं हो पा रहा है मेहनत करके, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू डू कस्टमर सेल्स, नो नीड टू डू कस्टमर सेल्स, वर्क हार्ड ऑन कस्टमर क्रिएशन। यही इनोवेशन है हमारा कस्टमर क्रिएट करने के लिए। अब एक टाइम में क्या हो जाएगा ना, ये एकदम वायरल हो जाएगा और लोग ऑटोमेटिक पुल्ड हो जाएंगे, आपको पुश नहीं करना, सिर्फ आपको लोगों को वीडियो पुश करना है, चैनल को पुश करना है, लोग प्रोडक्ट की तरफ पुल होंगे। ये है हमारा इनोवेटिंग फॉर्मूला। इसलिए बोलता हूँ दुनिया में वही जीतता है जिसके पास इनोवेशन करने का पावर है, नया सोच, नया समझ और नया चीज लाने का जिसके पास होता है ना टेक्निक, वो 100% आगे जाएगा। वो हमारा ऑडियंस, हम सब हेल्थ केयर लीडर्स का स्पेशलिटी है, ये हम लोगों का स्पेशलिटी है दोस्तों। दिस इज एक्चुअली स्पेशलिटी ऑफ अस, बिकॉज वी आर, इफ वी इनोवेट ऑटोमेटिकली वी विल क्रिएट, एंड व्हेन वी विल क्रिएट वी विल बी कॉल्ड ग्रेट। है आपको समझ में? सो दैट्स व्हाई एनीबॉडी कैन कम इन दैट चैनल, बट ओनली जो लोग सब्सक्राइब होंगे सिर्फ उसको मिलेगा, क्योंकि हमने इसको YouTube जैसा ओपन चैनल नहीं करने वाले, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा, बिकॉज यहाँ पे कोई मस्ती मजाक नहीं है और यहाँ पे कोई पोस्टिंग भी नहीं कर सकते इधर उधर, सिर्फ आप वीडियो उसको देख सकते हैं और उस वीडियो को हजारों लोगों को शेयर कर सकते हैं, बट वही वीडियो देख पाएगा जो ज्वाइन करेगा। सो अगेन आई टेल यू द स्टेप्स, आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद जो लिंक मेरे चैनल का है उसमें क्लिक करें, मैंने क्लिक करें मतलब मैसेंजर में क्लिक करके आप मेरे पेज में लैंड होंगे, नीचे ऊपर फोटो सब कुछ है, आप समझ जाएंगे मेरा पेज है, और फिर नीचे एक ज्वाइन बटन है, उसको जरूर दबाइए। ज्वाइन बटन नहीं दबाएंगे तो आपको टिक सब्सक्राइब नहीं आएगा, आप वीडियो को ऊपर से देख पाएंगे लेकिन दबाने पे दिखेगा नहीं, क्योंकि हमने उसको प्रोटेक्ट करके रखा है। हम उसको मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी आके उसको देखे, कोई भी उसको ले, we don't want that, we want to keep it to a level, we want to keep it to a seriousness पे। सो एनीबॉडी कैन कम एंड ज्वाइन, एंड सिर्फ आप जो वीडियो नहीं देखने वाले, वो वीडियो आपको आपको तो ऐसे ही मैं दिखता हूँ, ऐसे मेरे को सुनते हैं, लेकिन जो लोग मुझे, जो लोग हमें सुन और देख नहीं पा रहे, या आपने भी इनवाइट किया बट सुनने और देखने नहीं आए हैं, वो लोग कभी भी अपने कॉन्वीनियंट टाइम में एक दो बार तीन बार देखेंगे सुनेंगे, एक दो तीन बार के साथ बैठ के एक दो बार तीन बार देखेंगे सुनेंगे ना। अब आप देखेंगे एक दो तीन हो गया, बोलते ना एक गाना था ना, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 बोल के, अब करते 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 आपका ऑटोमेटिक बिजनेस हो जाएगा। 10 का क्या है, क्लोजिंग, बट आपने ओपनिंग किया ही नहीं था ऑडियंस के, बट ऑडियंस में क्लोजिंग जरूर हो गया। मतलब आपने ओपनिंग नहीं किया उस कस्टमर के पास, उस दोस्त के पास, उस रिश्तेदार के पास, आपने ऑडियंस को ओपनिंग ही नहीं किया, लेकिन वो ऑडियंस में क्लोजिंग जरूर हो गया। ये टेक्निक है, आपको ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट सेल्स होना है, हो रहा है, बड़ा लेवल में बिजनेस होना है, होना है। दिस इज हाउ ये चैनल का ये काम होने वाला है। हम कल छोड़ने वाले थे वीडियो, बट एक्चुअली प्रिपेयर्ड नहीं हो पाया, मेरा मटेरियल रेडी है, सब रेडी है, बट उसको ग्राफिकली वीडियो में लाना फर्स्ट टाइम करे, प्रिपेयर नहीं हो पाया। आज पूरा दिन में होकर शाम को 6 या 7 बजे वीडियो रिलीज होगा। सो ऑल ऑफ यू कैन सब्सक्राइब एंड जॉइन टू आवर चैनल। सो आप सबको मैं यहाँ पे विदा लेना चाहूंगा, अभी 1:05 बज चुका है, मुझे पीछे मैसेज भी आ चुका है कि मुझे मीटिंग फिनिश करना है। सो सी यू देयर, we are always seeing you on the each other on Zoom, but there many people will be seeing us who never saw us. Are you with me? Many people will be seeing us who never saw us. When they will see us, they will know us, they will understand us, they will join us business. Thank you. So yeah, here technique, thank you so much aap sab ke kimti waqt ke liye, and aap sab ke, you know, sab ek sath cooperation ke liye. अगर बोलते हैं टुगेदर वी विन एंड अलोन वी लॉस,
मतलब यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अब सब एकजुट होकर एक ही मकसद को, एक ही कॉन्सेप्ट को वायरल बनाना है। अगर आप अपने आप को, हम अपने आप को हमारे नेटवर्क को, मतलब हम अपने आप को हमारे प्लेटफॉर्म को, हमारे प्रोडक्ट को, हमारे थिंकिंग को वायरल बना सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये वायरस लोगों के अंदर में, दिमाग में वायरस जैसे घुस जाएगा, मतलब ऑडियंस में घुस जाएगा, राइट? सो लेट्स डू इट टुगेदर। थैंक यू सो मच मॉल में डियर लीडर्स। मुझे यहाँ पे आपसे विदा लेना होगा, चाहता तो नहीं हूं लेकिन लेना होगा, क्या करे, विदा ले रहा हूं, अलविदा नहीं। फिर से बोल रहा हूँ, विदा ले रहे, अलविदा नहीं ले रहे, इतना जल्दी अलविदा होगा नहीं, बस अभी टेम्पररी आज के दिन के लिए विदा ले रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग फिर मिलते हैं यही शक्ल के साथ और थोड़ा अकल के साथ, क्योंकि आपका शक्ल का पहचान आपके अकल की वजह से ही दुनिया में होता है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, सलाम अलैकुम, नमस्कार, स्टे सेफ एंड वर्क आल्सो वेल, वेरी सेफ।